Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. नमस्ते, सभी को नमस्ते। मैं राजू और मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो कृपया करके सुनिए। सुन रहे हैं तो? मैं अपनी बात कर रहा हूं। यह है संजय, मेरे स्कूल का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर कॉलेज से लेकर आज तक वो मेरा दोस्त, फिलोसोफर और गाइड। यह है शंभु, मेरा एक और दोस्त। बीच रास्ते में ही कॉलेज से रिश्ता तोड़कर अपना रिश्ता जोड़ा है इस ऑटो से। उसका जीवन और उसका जीने का साधन ये ऑटो है। और ये लोग हैं मेरे परम पूज्य माता पिता। हमारे घर में बस यही तीन जन हैं, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। वैसे भी मुझे लेके मम्मी पापा में लड़ाइयाँ होती है, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से एक बिजनेस करूँ, और वहीं मेरे पापा चाहते हैं कि मैं और पढ़ाई करूँ और एक अच्छी सी नौकरी करूँ। अरे मैं तो भूल गया, पापा ने पैसे दिए थे कि IAS एग्जामिनेशन की फीस भर दूँ। मैं चला। पास में वो जो ब्लैक कलर की एक्टिवा खड़ी है, वो लॉक्ड है या नहीं? अरे लॉक ही तो है, ये क्या? प्लीज बताइए ना। ये तो बड़ी मुश्किल है। रुको, अभी बताता हूँ सुंदरी। प्लीज बोलिए ना। नहीं नहीं, लॉक नहीं है। ओके मैं आती हूँ। चल राजू, अब निकल यहां से। तो लॉक ही है। अच्छा तो मुझे बेवकूफ बना रहा था। सुंदरी, तुमने मेरे हेलमेट को नहीं छुआ है, मेरे दिल को छू लिया है। अभी संजय को जाके बता देता हूँ। यार आई एम इन लव। राखी पूर्णिमा की आज पुण्यतिथि, बहन भैया को बांधेगी राखी। राखी 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 पूर्णिमा की आज पुण्यतिथि, बहन भैया को बांधेगी राखी। राखी 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 राखी
राखी पूर्णिमा की आज पुण्य तिथि, बहन भैया को बांधेगी राखी। राखी 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 राखी। राखी पूर्णिमा की आज पुण्य तिथि, बहन भैया को बांधेगी राखी। राखी 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 राखी। आ रहे हैं। ए संजय, सुन 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 सुन, तुझसे मुझे अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट बात? अरे तू चल ना। अरे रुक रुक, तुझे भी एक अर्जेंट बात बोलनी है। क्यों झमेला कर रहा है यार? पहले पहले मेरी बात सुन। अच्छा राजू, अंकल कह रहे थे कि तूने एग्जाम के लिए पैसे लिए हुए हैं, वो पैसे अभी तक तूने डिपॉजिट क्यों नहीं करवाए? डिपॉजिट? मैं ही तो फिक्स डिपॉजिट हो गया हूँ। मतलब? संजय, आज एक ऐसी लड़की को देखा ना। नहीं नहीं नहीं, लड़की नहीं, एक अप्सरा। नहीं 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 नहीं, स्वप्न सुंदरी परी, कसम से मेरे दिल को छू लिया उसने। ए, लगता है तू पागल हो गया है। तेरा एग्जाम, बिजनेस, सब खत्म। हाँ। ए, कंट्रोल कर, कंट्रोल। तुझे क्या बोलू संजय, उसने तो मुझे पागल कर दिया है। पागल? हाँ यार, इसलिए सोच रहा हूँ भवानी बाबू से मिलकर पैसे दे दूँ, पैसे वापस लौटा दूँ। भवानी बाबू? हाँ। अबे ओ, तुझे शर्म वरम है कि नहीं? क्यों, पापा को नाम लेकर बुलाता है? साला, ये आई लव यू के टाइटैनिक को कहीं लिए क्या? ये लाइन इज खत्म नहीं हो रही है यार। ए, 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 तेरी इतनी हिम्मत? नो पार्किंग एरिया में तूने ऑटो पार्क किया है, हटा इसे, ये नो पार्किंग एरिया है। अरे क्या ये मैंने अपनी मर्जी से लगाया हूँ क्या तुम्हारा डंडा खाने के लिए? मतलब? मतलब अरे सुबह सुबह यहाँ अपनी बोनी करने के लिए आया हूँ। अच्छा? अरे मीटर हुआ है 45 रुपए। हाँ? और वो दे रही है 100 रुपए। हाँ? अपने पास चेंज नहीं है। अच्छा? पैसेंजर कहीं लिए अंदर छुट्टा। हाँ? कराने के लिए। अभी अगर अपन ऑटो को आगे पार्क करता। हाँ? तो वो पैसेंजर अपन को किधर ढूंढती? हाँ? प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। हाँ? मैं इधर खड़े लाऊ, समझे क्या? हाँ, ये सारी बातें तो मुझे मत समझा। परमिट निकाल तू इस ऑटो का। परमिट निकाल। बाप अपन को जानते नहीं है, है? अपन कोई भाई भाई नहीं है साहब। अरे परमिट निकाल। अरे हेलमेट वाले साहब, मालूम क्या, ये जो परमिट निकालता है ना वो अपन का भाई है। साले क्या बोल रहा है बड़े भैया? आपको विश्वास नहीं होता ना? सॉरी सर, गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये मामूलों के चक्कर में ना अपुन के देश की ना पूरी पूरी वाट लग गई है। ए राजू, ए वंटा सुन। एक्सक्यूज मी, अंदर चाय पीने जा रही हैं। उससे तुम्हें क्या मतलब? अपुन के लिए भी एक कप ले लीजिए ना प्लीज। यू फुलिश फेलो, मैं चाय लाऊंगी तुम्हारे लिए? एक काम करो, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। आ? अबे यहाँ क्यों खड़ा है, फिल्म देखेगा क्या? That, फिल्म मत पूछ यार, अपुन एक पैसेंजर लेके आया था, वो अंदर साहू का छुट्टा कराने के लिए गई लिए। तब से अपुन उस लेडी कस्टमर का वेट कर रहे है। अरे सुन, वो लेडी कस्टमर आएगी ना तो उससे मेरे पैसे ले लेना, ₹45 only. अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अरे ले लूंगा मतलब? तू कहाँ जा रहा है? अरे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। मंदिर में? ओह, जा 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 जा, इन सब कामों में डिले नहीं करना चाहिए, जा जा।
कहाँ आ गया? आप क्या वही 45 वाले पैसेंजर हैं? हाँ। डोंट वरी, मैं उसका दोस्त हूँ। वो मुझे यहाँ बैठा के मंदिर में, मतलब अर्जेंट काम से गया। आपसे मुझे बस पैसे लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लीजिए। अरे आज के जमाने में तो दानवीर निकली, मतलब 45 रुपए की जगह 50 रुपए देके चली गई, कमाल है। ये! अरे छोड़, चली जाएगी वो। अरे मेरे पैसे दिए क्या? अरे हाँ दिए वो। चल निकाल निकाल, दे रहा हूँ ना तुझे पैसे। ये तू झमेला मत कर यार, जा यहाँ से। वाओ, बोलिए। जरा अपना मोबाइल दीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल करना है प्लीज। ओह श्योर, अब जस्ट अ मिनट। हाँ लीजिए। थैंक यू। हेलो मम्मी, मैं रिया के घर पे हूँ। हाँ, बस पढ़ाई को लेकर कुछ डिस्कस। हाँ मम्मी, रिया यही है, आप उससे पूछ लो। ओके बाय मम्मी। ये थैंक यू, बाय बाय। रिया तूने कितनी देर कर दी, मैं कब से वेट कर रही थी। आंटी को फोन किया? हाँ तू चल। हेलो मम्मी। हाँ बोलो। मैं रिया के घर पे हूँ। राजू देख तो कौन बेल बजा रहा है। ओ माय गॉड, शांति। हाँ देख रही हो? क्या हुआ? मैं ऑफिस का काम करूं या देखूं कौन बेल बजा रहा है? देखो अपने प्यारे लाडले को देखो, साहब घोड़े बेचकर सो रहे हैं, इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है, पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में। ठीक है मैं देखती हूँ। राजू तू ऐसे क्यों लेटा है? राजू माँ, कोई बेल बजा रहा है। हेलो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए गैस वाला आया है शायद। ओ भगवान। बेटा क्या सोच रहा है तू? नहीं वो बात वो ऐसी है कि तुम चलो यहाँ से। अरे आओ ना। अरे 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 आओ ना माँ। ऐसा क्यों कर रहा है? अरे आओ बोल ना, ना मुझे क्या बोलना है। यहाँ, हाँ यहाँ बैठो। बैठती हूँ, बोल क्या हुआ है, क्या हुआ है? माँ बात ऐसी है कि आज मौसम कुछ अलग नहीं लग रहा। मौसम? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो माँ। और पापा, पापा पूरे उल्टे एकदम। क्या बात है राजू, क्या हुआ है, तुझे किसी से प्यार हुआ है क्या? अरे बोल ना। जान पहचान में है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरी हो तो बोल सकता है मुझे। नहीं माँ वैसी कोई बात नहीं है। ए मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे किस बात की शर्म? मतलब वो आज मैंने एक लड़की देखी माँ, ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी माँ। उसकी सूरत मेरे मन में छप गई है माँ, सच कह रहा हूँ माँ। तुम जो कहती हो ना भगवान की मूरत, उसकी आंखें, उसकी बातें और उसकी अदा, क्या कहूँ, ऐसा लगता है कोई जादू है माँ। अच्छा कौन है वो गुणवती? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ नहीं पता, बिना जाने ही इतना कुछ बोल रहा है। हाँ
हम मैं सच कह रहा हूँ, उसका नाम, उसका पता मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ उसकी एक अमानत रह गई है मेरे पास, ये 50 रुपए की नोट। राजू, बचपन से मैंने तुझे कितने 50 रुपए दिए उसका हिसाब रखा? और उसने जो 50 रुपए दिए वो तूने सीने से लगा कर रखा है। राजू, तू अगर उसे जानता ही नहीं तो फिर उसने तुझे ये 50 रुपए कैसे दिया? उसने पैसे देते वक्त मुझे एक बार भी नहीं देखा। देख लेना, उसका नाम पता मैं जरूर ढूंढ के निकालूंगा। ढूंढ के निकालूंगा। और तूने पापा से जो वादा किया उसका क्या? सुन, पहले वो पूरा कर, उसके बाद ढूंढने निकलना, समझा? माँ, माँ, अरे सुनो तो, बोल देना भवानी बाबू को मैं परीक्षा भी दूंगा और पास भी होके दिखाऊंगा। हाँ। भैया, ऑटो खाली है? अरे दिखता नहीं क्या, हाथ में बीड़ी, ऑटो खाली? और पूछ रहे हो खाली है कि नहीं? हाँ खाली है। मीटर ठीक है तो? अरे चीचा, मीटर की जरूरत नहीं है, तुम बैठो, शॉर्टकट मार के लेके जाएंगे अपन तुमको। हाँ। मैं नहीं जाऊंगा भैया, मेरे बेटे जाएंगे। तुम तो एक माचिस का तिनका लगते हो, तुम्हारे लड़के कैसे दिखते? मेरे दोनों ही बेटे छोटे हैं। अच्छा। स्कूल में पढ़ते हैं। बुलाओ चीचा। ए चिंटू। ए पिंटू। सुनो चाचा, ये दोनों युकु सुना क्या तुम्हारे? हाँ। अभी तक स्कूल में ही पढ़ते हैं? हाँ। ए बजरंगबली, अब क्या करूं? हम्टी डम्टी, सुनो सुनो, एक काम करो, मेरे ऑटो में मत चलो यार। अरे नहीं, पंक्चर हो जाएगी मेरी गाड़ी यार। पापा ये पकड़िए तो, थोड़ा अंदर हम जाके बैठे। पापा ये लीजिए तो। बैठ बैठो बैठो, बढ़िया से बैठो बैठो। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, आराम से आराम से बैठो। ठीक ठीक ठीक। बजरंग बली, मेरे रिक्शा की रक्षा करना। रुको, अरे रुको रुको, ऑटो से उतारो, ऑटो से उतारो। कोई बात नहीं, खा लूंगा। इतनी सुंदर ऑटो पर बात कर दी। हे भाई, ऑटो खाली है क्या? अरे तेरी आंख है या आलू, दिखता नहीं क्या? ऑटो के अंदर तो हाथी का बच्चा बैठेला है। नहीं नहीं, कह रहा था इनको ड्रॉप करने के बाद फिर इधर आओगे ना। ड्रॉप? खाना दिखता नहीं क्या, मेरे ऑटो का अंजर पंजर ड्रॉप हो गया है। अजीब सिचुएशन देखने के बाद भी आप उनके दिमाग का दही कर दिया। वाला हम लोगों का स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी चल। येड़े, तेरे स्कूल का टाइम हुआ है, अपन का डेथ का टाइम हो गया है, जाएंगे कैसे? नमस्ते मैडम। क्या बात है रामू, तुम अकेले? तुम्हारा साथी कहाँ है? वो बाहर किसी और काम से गया है। आधा काम करके क्यों गया है, बुलाओ उसको। जी मैडम। क्या हुआ, अभी भी नहीं हुआ है? काम ठीक से करना होगा तू। किसने तुम्हें पुलिस में नौकरी दी है क्या पता? मैडम नमस्ते, मैं भवानी शंकर वर्मा, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। मैं इस हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। शी इज माई वाइफ शांति। आप हमारी पड़ोसन है इसीलिए आपसे परिचय। परिचय करने का क्या है? ओ, पुलिस में नौकरी करती हूँ इसलिए फायदा उठाना चाहती हूँ? नहीं नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी भी तो आपको नहीं बुलाऊंगी। हो गया ना, सेक्रेटरी के हिसाब से बहुत सम्मान मिल गया आपको, चलिए। सॉरी, एक हंस
हसीना मन चली दिल चुरा के वो चली मुझको कर गई आगे क्या होगा अब कोई जानना। हुआ रे मैं तो दीवाना, अरे हाँ मैं तो दीवाना। हुआ रे मैं तो दीवाना, अरे हाँ मैं तो दीवाना। एक हसीना मन चली मैडम।
क्या हुआ मैडम? मेरे घर के सामने इस तरह कचरा किसने फैलाया? मैडम आप इसको कचरा बोल रही हैं? आज लक्ष्मी पूजा है। ये सब बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। पुलिस में नौकरी करती हैं इसका मतलब धर्म कर्म नहीं मानिएगा। आप एक हिंदुस्तानी नारी, एक शादीशुदा औरत, ये सब क्या आपको शोभा देता है? आपने अल्पना को मिटा दिया? हाँ, पैर से घिसकर मैंने साफ कर दिया। अगर गंदा करना ही है तो अपने घर में कीजिए, मेरे घर के सामने नहीं। सुनिए मैडम, ये अगर आपके घर के सामने है तो मेरे घर के सामने भी है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मी पूजा के दिन अल्पना बनाना हमारे देश की परंपरा है। परंपरा सिखा रहे हैं? ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तव जीवन में इसकी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है आपके लिए कोई कीमत ना हो, लेकिन हमारे लिए अमूल्य है। इसके लिए मुझे आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अल्पना मैं यही बनाऊंगा। क्या करेंगी आप? देखना है क्या करूंगी, बेशरम जाहिल। कॉलर छोड़ दीजिए, कह रहा हूँ आप तमीज से पेश आइए। तमीज मुझे सिखा रहे हो? हाँ? अरे मैडम, भवानी जी का कॉलर क्यों पकड़ा आपने? तुम कौन हो? यहाँ वकालत ना करके अपने घर में जाओ, जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो सर? यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? तमाशा? अपने अपने घर पे जाओ, नहीं तो सबको पकड़ के जेल में चक्की पिसवाऊंगी। इसका मतलब पुलिस की वर्दी पहनकर आप जो मर्जी वो करेंगी? ओए, अभी तक कुछ नहीं किया है। ज्यादा बोलोगे तो तुम दोनों पति पत्नी को पकड़ के लॉकअप में डाल दूंगी। मैडम, जो होना था वो हो गया, अब क्या करें हम लोग? जो बोल रही हूँ वो करो। राजू, तू यहाँ पर? उधर वो लेडी ऑफिसर तेरे पिताजी को बेइज्जत कर रही है। माँ, इसे किसने बर्बाद किया? उस लेडी सब इंस्पेक्टर ने। नहीं राजू। ठीक है, मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी करने की? अगर आइंदा इस वर्दी की गर्मी दिखाने की कोशिश की तो फिर तेरी पूरी गर्मी उतार दूंगा। पुलिस है तो कुछ भी करेगी, याद रख। अगर आज के बाद ऐसा कुछ किया तो छोड़ दीजिए मुझे। आज मैं इसकी जान ले लूंगा। तेरी हिम्मत कैसी है मेरे मामा के साथ ऐसे पेश आने की? छोड़ दूंगा मैं तुझे, तेरी हिम्मत कैसी वैसे करने की? छोड़ दीजिए मुझे बाबा, छोड़िए मुझे। अब आपको सुकून मिल गया ना मैडम? का साहब कहाँ जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं। कहाँ जाएंगे? ए भी नहीं। अरे अरे, मेरी ऑटो चमकती हुई ऑटो, तू मेरा साथी मैं तेरा मोटो, तू मेरा साथी। हाँ ये ठीक है, अब चलेगी। क्या बात है, ऑटो को इतना देख क्यों रहे हैं? खरीदेंगे क्या? अरे बाबा, गाड़ी क्यों खरीदूंगा? तो क्या आप उनकी गाड़ी भाड़े में लीजिएगा? अरे भाई, किराए पर क्यों लूंगा? गाड़ी 24 घंटे के लिए यहीं पर खड़ी रहेगी। अच्छा, अपन की गाड़ी यहाँ 24 घंटे खड़ी रहेगी, मतलब धंधा चौपट। अरे धंधा क्यों चौपट होगा, 24 घंटे का भाड़ा मैं दे दूंगा। हाँ। अच्छा, तुम्हारे गाड़ी के अंदर पर्दा है? है। सामने लगा दो। पर्दे से अपन की गाड़ी को ढक दो। हाँ। क्यों बे? हम लोग इसके अंदर बैठेंगे। तेरे साथ बैठूंगा, येड़े तेरी नियत तो ठीक है ना? अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूंगा? मेरे साथ बैठने के लिए अरे कौन आ रही है? हाय।
ये तेरे साथ है? तुम दोनों ऑटो के अंदर गुपचुप और मैं पर्दा लगा दूं? क्या करे भाई, हम लोग दो हंसों का जोड़ा है, जानते नहीं हो पार्क में पुलिस का झमेला है। अब कहीं सुनसान जगह में प्यार करो तो मोहल्ले वालों को तकलीफ, इसलिए जगह मिलता है। लेकिन ये मेरा प्लान नहीं है दोस्त, ये प्लान उसका है। हाय रे मेरी ऑटो, तेरी किस्मत में यही सब लिखा था क्या? मन करता है आप उनका ही सर फोड़ डाले अपना। क्यों होगा? अरे सुनिए बड़े भैया, हंसू आइडिया दूं क्या? अरे भाई जो बोल रहे जल्दी बोलो यार, रोमांस का समय निकल जा रहा है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, इस ऑटो से भी एक अच्छी और सस्ती जगह। अरे भाई कहाँ है, कहाँ है, जल्दी बोलो। सोने के लिए एक लंबी चौड़ी सीट, फैन, टेलीफोन और एक लाल मस्त पत्ती। जगह कहाँ है, जगह कहाँ है? बहुत अच्छी गाड़ी है, भाड़ा कितना है? भाड़ा भी सस्ता है, तुम गुपचुप चालू रखो। कुछ कुछ होता है। इस गाड़ी का मालिक कहाँ है? गाड़ी का मालिक? हाँ। ओ देखो आ रहा है। पुलिस क्यों आ रही है? पुलिस? इस लड़के ने हमें फंसा दिया। फंसा दिया ना? तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इन्हें अंदर कौन बैठा? तूने ना? अपुन ने क्या किया सर? अपुन ने कुछ नहीं किया। चल पैसा निकाल, चल पैसा निकाल, ले चल 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 चल। दूसरों की लेने में अपनी लग गई यार, अब कैसी होगी नैया पार। राजू अच्छे से एग्जाम देना। हाँ ठीक है। तूने पेन तो लिया है ना? हाँ हाँ पेन समझ लिया। समझ में नहीं आ रहा है संजय, एग्जाम तो राजू का है, तू उतावला क्यों हो रहा है? और ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा हूँ आंटी, इंटरव्यू है, ये पास करने से अमेरिका में नौकरी मिलेगी। हाँ आशीर्वाद दीजिए आंटी। भगवान तुझे कामयाब बनाए, तेरी नौकरी जरूर लग जाएगी। मेरा दिल कहता है तू जरूर अमेरिका जाएगा। तू रुक जरा, मैं अभी आती हूँ। सुन राजू, मुझे तो आशीर्वाद मिल गया है, अब तू दिमाग ठंडा रखकर अच्छे से एग्जाम देना। तू टेंशन मत ले। अरे पास में हो जाऊंगा, फेल होने का कोई चांस नहीं है, तू अपना देख ले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल मैं निकलता हूँ, तू ध्यान रखना। इंटरव्यू दे जाके। आंटी अंकल का ध्यान रखना। पास में हो जाऊंगा, तू देख लेना। ये ले पैसा। पैसा क्यों आंटी? देख संजय, तूने माँ के पैर छुए, हाँ इसीलिए माँ ने ये पैसे दिए तुझे आशीर्वाद के तौर पे। अच्छा देख संजय, तेरी किस्मत एकदम चमक उठे के देख लेना। हाँ अच्छा माँ एक बात बोलो तो, संजय इंटरव्यू देने जा रहा है, तू उसे पैसे देकर आशीर्वाद दे रही हो, और मैं जब एग्जाम देने जा रहा हूँ उसका कुछ नहीं? मैं भी पैर छूंगा, मुझे भी आशीर्वाद। अच्छा, चाहिए। ठीक है ठीक है, मुझे पता था तू ऐसा ही करेगा, ये ले। आई लव यू माई डियर मॉम। राजू हाँ अच्छे से एग्जाम देना। हाँ माँ। अरे रुक रुक, ये ले माता रानी का प्रसाद ले। अरे सुन सुन, परीक्षा देने जा रहा है ना, बाइक से ना जाकर ऑटो से जा। ये ले, ऑटो से जाएगा तो थकान नहीं होगी। ठीक है पापा। हो तेरी प्यारी प्यारी, हो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदर। हो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना। है चंदू मामा। क्या रे किशन भांजा, क्या खबर, कैसे हो? बस चल रहा है। अरे खाली ऑटो लेके कहाँ चले? अरे अंधा है क्या, देख नहीं रहा है पैसेंजर है पैसेंजर। अच्छा कहाँ जा रहे हो? अरे पानी टैंक, उसके बगल में जो फ्लैट है ना वहीं जा रहे हैं। अरे मामा गाड़ी ठीक से चलाओ, नाके पे पुलिस खड़ी है, फाइन कर देगी। हाँ तब तो लफड़ा हो जाएगा, चालान काट दिया तो। उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी घुमा लेता हूँ। हाँ यही सही रहेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय। भाई उस ऑटो के पीछे चलो ना प्लीज। ए भाई प्लीज प्लीज उस ऑटो के पीछे ले लो। अरे वो लोग तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैं उनके पीछे क्यों जाऊँ? अरे मैं जो बोल रहा हूँ करो ना, पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना, तुम चलो ना यार, प्लीज प्लीज चलो यार। अरे भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम उनके पीछे जाने को बोल रहे हो? अरे वो अलग बात है, उसे छोड़ो ना, वो जो ऑटो जा रहा है उसमें मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है। अरे चलो ना भाई, अरे ओवरटेक भी तो कर सकते हो। क्यों बकबक कर रहे हो बोलो तो, जा ही तो रहा हूँ मैं। अरे जल्दी चलाओ यार, वो ऑटो निकल गया यार, कैसे ऑटो चला रहे हो? चलाओ चलाओ ऑटो निकल गया यार, जल्दी चलाओ, क्या कर रहे हो यार? ऑटो रोक, आप क्या कर रहे हैं यार तू तो। अरे आप चलाइए ना यार, चलाने में ध्यान दीजिए, बहुत कर रहे हो यार। क्या हुआ? अरे होगा क्या, तुम्हारे हिसाब से ऑटो नहीं चला पाऊंगा, तुम कोई और ऑटो देख लो, जाओ। अरे चलो ना भाई, वो ऑटो तो चली गई। हैं? ए भाई तुमको तो विजय पल्ली जाना था, यहाँ कैसे आ गए? अरे भगवान, ए भाई चलना प्लीज, चलना चलना। बोला ना मुझे छोड़ो, तुम कोई और ऑटो देखो, जाओ। चलो ना भाई चलो ना। अरे भगवान पापा, अरे
क्या हुआ राजू, क्या हुआ? तू कॉलेज नहीं जाकर यहाँ क्या कर रहा है? अरे अगर ऑटो खराब है तो भी नहीं, मतलब वो मतलब परीक्षा देने में गया था लेकिन ये ऑटो वाला। अरे अब क्या होगा, जाकर भी क्या करेगा, आधे घंटे लेट हो गए हो तुम कॉलेज ना जाकर ऑटो के लिए खड़े हो। साहब बहुत रंगीन मिजाज के हैं समझे, एक ऑटो के पीछे सारा शहर घुमा घुमा के मेरा टायर पंचर कर दिया। ए, देख क्या रहे हो, माल निकालो, 100 रुपया हुआ है। 100 रुपये? तू कॉलेज नहीं जाकर कहाँ घूम रहा था? आप भी अजीब बात कर रहे हैं, ये साहब अगर परीक्षा देंगे तो सारा समय गर्लफ्रेंड के पीछे कौन घूमेगा। अरे दो भाई जल्दी निकालो, बेकार बेकार समय खराब कर रहे हो। छी राजू छी, तुझे अपना बेटा कहने में मुझे शर्म महसूस होती है। तेरे लिए मैंने कितने सपने देखे हैं, तूने सारे सपने तोड़ दिए। तो पापा वो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, अब और तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अरे दिन रात तेरे भविष्य की चिंता रहती है और तू बोल बोल किस चीज की कमी होने दी है मैंने और उसके बदले तूने हमें। सोचा था तू परीक्षा पास कर जाएगा तो मैं तुझे नहीं, तू आवारा है, पूरा का पूरा नालायक, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे तकलीफ ना हो इसलिए मैंने तुझे बाइक खरीदी और इसका तू गलत इस्तेमाल कर रहा, दिन भर एक लड़की के पीछे। छी, शर्म से मेरा माथा झुका जा रहा है। तुझे कोई शर्म नहीं, थोड़ी भी शर्म नहीं, इज्जत की परवाह नहीं? जरा भी इज्जत की परवाह होती तो इस तरह तू दिन भर नहीं घूमता। हुआ क्या है? इससे पूछो, अपने लाडले से पूछो, इसे अभी से प्यार का नशा चढ़ा है। तुम्हारा ये लाडला परीक्षा देने नहीं जाकर सारा दिन एक लड़की के पीछे घूम रहा था। घर की बात घर में रखिए ना, अंदर चलिए, सब सुन रहे हैं। सुनने दो, सबको सुनने दो, उन्हें भी तो पता चले गुणवान बेटे के गुण के बारे में। आज सबको पता चल गया ना कि तुम्हारे बेटे में कितना गुण है। अरे इसके उम्र के लड़के, इसके सभी दोस्त, कोई नौकरी करता है तो कोई बिजनेस करता है और ये अपने माँ बाप का सर झुकाता है। समझ गई शांति, इसका कुछ नहीं होगा। साहब मुफ्त की रोटी तोड़कर कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है दिन भर एक लड़की के पीछे। ची, कम से कम अपने बाप के बारे में तो सोचता। ए, तू मर भी नहीं सकता था ऐसा बेटा, रहने से अच्छा है ना रहे। राजू सुन मेरी बात तो सुन, राजू राजू मेरी बात सुन, सुन राजू, राजू राजू पापा की बातों का बुरा नहीं मानते। नहीं पापा, बाहर लोगों के सामने मुझे, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? नहीं माँ, तुम मुझे अब कुछ भी कह लो, मैं इस घर में नहीं रह सकता। माँ बाप बच्चों के भले के लिए बोलते हैं। हाँ, इसलिए मुझे मर जाने को कहा है ना मेरा राजा बेटा। ऐसे नहीं माँ, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं आप सबको दिखा के रहूंगा कि ना मैं नालायक हूँ और ना निकम्मा। छोड़ो मुझे माँ। सुन सुन मेरी मेरी बात तो सुन। और क्या सुनूं मैं तुम्हारी, अब सब तो तुम्हारे पतिदेव ने सोसाइटी के लोगों के सामने सुना दिया, अब सबके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। नहीं माँ छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ। और हाँ सुन लो, पापा ने तो कह दिया कि मेरा रहना ना रहना एक ही बात है, और तुम भी सोच लो तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं। राजू। हाँ मैं जा रहा हूँ माँ। अरे तू सच में चला जाएगा? अच्छा तू यही चाहता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं अभी आती हूँ। अच्छा सब इंस्पेक्टर मिसेज आरती का फ्लैट कौन सा है? थैंक यू राजू। राजू? हाँ राजू, थैंक यू वेरी मच। चल बाय बाय राजू। बाय राजू। क्या सोचा तूने, यही ना कि तू घर छोड़ के नहीं जाएगा? मुझे मालूम था बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तू अपनों को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। चल अंदर चल, जो हुआ सो हुआ, दिल में मत रखना कुछ, चल चल अंदर चल चल। आया मिला
तेरे बिना सुना दिल सुना ये जहां, तुझको ढूंढे दिल यहां और वहां। तेरे बिना सुना दिल सुना ये जहां, तुझको ढूंढे दिल यहां और वहां। पास आके दूर ना जाओ जाने जाना, तुझको ही खुदा दिल ने तो माना। इस दिल की धड़कन में मेरी इन सांसों में तू ही तो है सनम। आया मिला तेरे बिना सुना दिल सुना ये जहां, तुझको ढूंढे दिल यहां और वहां। Love 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 you are in love 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 you are in love 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 I am in love. Love 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 you are in love 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 you are in love 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 I am in love. बातों ही बातों में ये दिल तुमने चुरा लिया। दिल पे तूने ओ दिल पर कैसा जादू किया। बातों ही बातों में ये दिल तुमने चुरा लिया। दिल पे तूने ओ दिल पर कैसा जादू किया। इस दिल की धड़कन में मेरी इन सांसों में तू ही तो है सनम। आया मिला तेरे बिना सुना दिल सुना ये जहां, तुझको ढूंढे दिल यहां और वहां। Love 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 you are in love 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 you are in love 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 I am in love. Love 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 you are in love 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 you are in love 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 I am in जाने जाना। संग संग रहना है कुछ तो कहो मेरे दिल पर जो कुछ कहना है। अब तो मेरी जाने जाना। संग संग रहना है कुछ तो कहो मेरे दिल पर जो कुछ कहना है। इस दिल की धड़कन में मेरी इन सांसों में तू ही तो है सनम। आया मिला तेरे बिना सुना दिल सुना ये जहां, तुझको ढूंढे दिल यहां और वहां। पास आके दूर ना जाओ जाने जाना, तुझको ही खुदा दिल ने तो माना। इस दिल की धड़कन में मेरी इन सांसों में तू ही तो है सनम। आया मिला लव 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 यू आर इन लव 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 यू आर इन लव 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 आया मिला। लव 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 यू आर इन लव 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 यू आर इन लव 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 आया मिला। हेलो मम्मी, मैं रिया के घर पे हूँ। हाँ बस पढ़ाई को लेकर कुछ डिस्कस। हाँ मम्मी रिया यही है, आप उससे पूछ लो। ओके देखिए। अबे मरने का शौक है? अबे तुझसे सीखना पड़ेगा क्या मुझे? बाहर आ।
अबे तेरे पास लाइसेंस है? नहीं, मैं तेरी तरह बड़े बाप की औलाद नहीं जो अंधों की तरह रास्ते में गाड़ी चलाऊंगा। ए, चश्मा कहाँ छोड़ के आया है? तूने चश्मा पहन के क्या उखाड़ा? ओ, तू दिन में सपना देख रहा था? सपना तो तू देख रहा था। बकवास ना करके यहाँ से निकल जा। फुटबे क्यों, ये क्या तेरे बाप का रास्ता है? हाँ, क्या कहा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाथ हटा, नहीं तो क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा तू? क्या करूंगा मैं? ये, नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ खड़े खड़े तुम दोनों को देख रहा था, तुम दोनों ही बेखबर थे। ऐसे ही तो दुर्घटना घटती है, तो फिर आपस में ना झगड़ के चुपचाप यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। किस्मत अच्छी थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ। सो कूल बेबी कूल, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। जाओ। क्यों, सही किया ना? हाय हाय, तुम्हारे पास मैच बॉक्स है? मैच बॉक्स? हाँ। तुम क्या करोगी? मुझे एक सिगरेट पीने का मन कर रहा है। तुम? अच्छा, तुम क्या सामने वाले फ्लैट में रहती हो? हाँ, सब इंस्पेक्टर आरती भटनागर मेरी मम्मी है। आई सी। अच्छा, उस दिन तुमने मुझसे एड्रेस पूछा था, मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? सिंपल। सिंपल मतलब? मैं एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, चेहरा देखकर सब समझ जाती हूँ। एस्ट्रोलॉजी? हाँ। अरे तुम्हें कोई मिला नहीं क्या सुबह से मजाक करने के लिए? झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे हाथों की लकीरें अमेजिंग है, हेडलाइन ब्रिलियंट। तुम जरूर बिजनेस करोगे, फ्यूचर में कामयाब बिजनेसमैन बनोगे। तुम्हारे पास्ट में गड़बड़ है, एक क्लास में दो बार फेल हुए हो। तुम दिन में 4-5 सिगरेट पीते हो। लाइफलाइन के अकॉर्डिंग तुम्हें फ्यूचर में कैंसर हो सकता है। अरे मैं झूठ नहीं कह रही। भागो। अच्छा, जैसे मैं अपनी मम्मी से डरती हूँ, तुम भी अपनी मम्मी से डरते हो ना? क्या तुम्हारी मम्मी भी तुम पर गुस्सा करती है? अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। माँ मेरी दोस्त है और मैं अपनी सारी बातें उनसे ही शेयर करता हूँ। वो बात यह है कि उस दिन तुम्हारी माँ के साथ मम्मी पापा का झगड़ा हो गया था, तुम्हारे साथ बातें करते हुए देख लिया तो शायद बुरा मान जाएगी, इसीलिए मैं छुप गया। मम्मी ने तुम लोगों से झगड़ा किया है ना? हाँ। अरे तुम इतना क्यों दुखी हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें पहले से नहीं जानता था। आई एम सॉरी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, उनकी कोई भी गलती नहीं है। नहीं, तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ, उन्होंने ही पहले झगड़ा किया होगा। वो पुलिस में है ना, तो अपने आसपास के लोगों पर रौब जमाना उनकी पुरानी आदत है। क्यों? ताकि वो सारे लोग हमसे दूर रहे, क्योंकि मम्मी चाहती है वो लोग मुझसे ना मिले, मुझसे दोस्ती ना करे, इसलिए। ओह, आई सी। लेकिन उस दिन तुम्हारी मम्मी ने यहाँ पर गृह प्रवेश किया, तुम क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं मामा के घर गई थी, न्यू फ्लैट में ठीक से सेटल हो जाने के बाद वो मुझे यहाँ ले आई। लेकिन पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखने में प्रॉब्लम क्या है? कहीं मैंने किसी पड़ोसी के बेटे से शादी कर ली तो? मेरी मम्मी चाहती है मेरी शादी किसी बड़े घर में हो, हाई स्टेटस, गाड़ी, बंगलो, क्लब, पार्टी, ये सब मम्मी को बहुत पसंद है। उनकी नज़र में बेटी की पसंद, नापसंद, करियर की चॉइस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पापा के जाने के बाद मम्मी ने मुझे अकेले पाला है, इसलिए मैं भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाती। पर उन्हें तो समझना चाहिए, मैं आज के जनरेशन की लड़की हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। छोड़ो मम्मी की बात, तुम भी आज के जमाने के हो और मैं भी, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, है ना?
हाँ। ओके बाय। राजू तुम अगर इतनी सिगरेट पियोगे तो तुम्हें कैंसर होने के चांसेस है। यस, हाथों की लकीरें बता रही है। ओके बाय। क्या हो रहा है ये टिंकू? क्या थाना बंद हो गया? क्या जो इधर आया है? नहीं भैया, बात ये है कि इसकी जात अलग है और मेरी जात अलग है। अच्छा? इसीलिए मेरे घर वाले इसे मारने के लिए इसके पीछे पड़े हैं। बस, अरे मियां बीवी राजी तो क्या कर लेंगे काजी? तुम लोग 18 प्लस तो है ना? हाँ भैया। बस तो मेरा मामला सेटल है। क्या क्या हुआ? क्या हो रहा है? कैसे खत्म हुआ ये? तो घर से भाग कर आई है। बस सिंदूर और माला पहनाने से शादी हो जाती है क्या? कैसे होगी? कम से कम 3-4 लोगों की गवाही की जरूरत है। हाँ हाँ, हाँ सही बात है, एकदम ठीक। कम से कम 3-4 लोगों की गवाही से तो। हाँ ओके भाई लोग, फॉलो मी। हाँ, चलो, 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 सभी। चलो, हाँ, हाँ, चलो चल के देखते। हाँ, चलो चलो। हाँ, अरे उधर देखो भाई लोग, ये अपुन के देश के बापू महात्मा गांधी और ये है बिग बी अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, और ये है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आइला, और ये है सोशल वर्कर उत्कल मणि गोपा बंधु दास। ये है अपने 4 गवाह। क्या अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इस पूरे शहर में इन 4 गवाहों के सामने यहाँ मौजूद सारे समाज के साथ। अरे टिंकू, सिंदूर की डब्बी निकाल, मांग भर डाल। ये भी ना बात, ये बंटा है, तेरा म्यूजिक देना यार, अपने को डांसने का है। दिन ढिंका चिंका, ढिंका चिंका, ढिंका चिंका, ढिंका चिंका, ढिंका चिंका। आज से तुम दोनों समाज की नजर में पति पत्नी, सुख शांति से अपना जीवन बिताओ। जाओ बाबा के पैर छुओ, सर्वनिष्ठ शांति भवे। जाओ बच्चों। अरे इनकी तो निकल पड़ी, पर तुम लोग क्यों खड़े रहे इधर? ये चलो वंटास वंटास। हाँ चलो चलो, रिसेप्शन में आना। चलो नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। हम दोनों की भी शादी करवा दीजिए ना। शादी करा दूं? चल जाओ, मेहरबानी कीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। अरे मैं क्या मंदिर का पंडित हूँ या फिर मैरिज ऑफिस का रजिस्ट्रार? जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर। ठीक है, एक की तो शादी करा दी, तुम दोनों को भी करा देता हूँ। क्या भाई लोग? हाँ, हो जाए, हो जाए सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, देखने से तो 18 प्लस लगते हैं तुम लोग। हाँ सर, मैं 25 की और ये 20 का। 25-20, मामला तो उल्टा हो गया है। ठीक है, पहले आप वर को माला पहनाइए, फिर आप वधू को। जा। अरे नाचो नाचो। अरे अरे, इनकी शादी करवा दी, ऐसा कहीं होता है भला? काई को नहीं होता। मैं पूछता हूँ कि इनकी शादी किसने करवाई? अपुन ने कराई और क्या। अरे जोर से बोलो ना। अरे अपुन ने कराई है यार। जाओ सदा सुहागन रहो, जाओ जा। अरे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है ये तुम्हें नहीं मालूम? क्या? मेरा शरीर जल रहा है, सर चकरा रहा है। अरे तो डॉक्टर के पास जाओ। अरे समझ क्यों नहीं रहे हो, ये मेरी पत्नी है और ये आदमी मेरा पति है। अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। ये क्या अनर्थ हो गया यार, इसका कोई उपाय? ये तो पाप नहीं, पाप का बाप है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जो गलती हुई है उसको सुधारू कैसे? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, सब इस सेड़े की वजह से हुआ है। प्लीज प्लीज। एक रास्ता है। कौन सा? आप इनका हाथ थाम लीजिए। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। जरा अपना मोबाइल दीजिएगा। विक्रम, बहुत खोया खोया सा लग रहा है। अरे तेरा फोन बज रहा है।
हेलो, कट गया। अरे क्या सोच रहा है विक्रम? ए विक्रम। हाँ डैड। अरे क्या सोच रहा है तू? डैड, सोच रहा था कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए, सो आई शुड मैरी। अरे शादी करना चाहता है ना? अरे मैंने जहाँ भी तेरी शादी की बात की, तूने बहाना बनाकर कैंसिल कर दिया, और आज अचानक। कभी कभी मतलब किसी लड़की को देख के लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। राइट, इसका मतलब है जरूर किसी को देखा होगा तूने। देखा है डैड, पर पता नहीं वो रहती कहाँ है, उसका नाम क्या है। हाँ डैड, ये जानने के बाद ही आई मस्ट मैरिज दैट गर्ल। अरे ये तो गीता की स्कूटर है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं एकदम भी नहीं देख पाया। देखते नहीं हो क्या? देखते नहीं देख सकते? लगड़ा हो गया मेरा। अरे देख लूंगा तो मैं। अरे दिखाई नहीं दिया, मुझे माफ कर दी। क्या दिखाई नहीं देता? मैंने कहा ना मुझे नहीं दिखा। हाय हाय, मैं तो बस देखने आया था। क्या देखने आए थे? सुंदरी को। अब नहीं नहीं, वो फूल, सुंदर फूल, सुंदर फूल। अरे इसे क्यों तोड़ा? नहीं, वो ये फूल तुम्हारे पर बहुत जचेगी, इसलिए तोड़ लिया। ये लो। मेरे बालों से भी ज्यादा ये फूल उस पौधे पर अच्छा लग रहा था। राइट, एकदम राइट। अरे तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। मुझे ये फूल, ये फूलों का बगीचा, ये नेचर, ये सारे फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रियली? सच? अच्छा तुम क्या रोज ही आती हो? नहीं, जब मम्मी से झगड़ा होता है या मूड खराब होता है तो यहाँ चली आती हूँ। बगीचे में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद बिल्कुल एक ही है। मैं कह रहा था गीता, तुम मेरी अगर थोड़ी सी मदद कर दोगी ना, तब हम दोनों मिलकर एक बहुत सुंदर गार्डन बना सकते हैं। कैसे? देखो, आज से तुम कुछ पैसे जमा करो और मैं कुछ पैसे जमा करता हूँ। जैसे ही जमा हो जाएंगे, फ्यूचर में हम दोनों मिलकर बहुत सुंदर एक रोज गार्डन बनाएंगे। क्यों? ए भाई, कब से इन फूलों को तोड़ रहे हो? है? इन फूलों को तोड़ के बगीचा बनाने का इरादा है क्या? लाओ पैसे, लाओ निकालो। ये किस लिए? पांच हरी पत्ती निकालो। पैसे? फूल तोड़ रहे हो, फाइन तो देना ही पड़ेगा ना। मुझे देने पड़ेंगे। लो और फूल तोड़ो। लाओ लाओ, फटाफट लाओ। फट। बाय बाय। ऑटो, ए ऑटो। ऑटो? ऑटो क्यों? घर जाना है ना? हाँ, लेकिन जाऊंगा कैसे? बाइक तो नहीं लाई? नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। तकलीफ? कैसी तकलीफ? मुझे तो अच्छा लगेगा, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। राजू, ये हुई ना बात। This is a limit. राजू, इससे आगे साथ जाना ठीक नहीं होगा। हमें एक साथ किसी ने बिल्डिंग में देख लिया तो मम्मी को पता चल जाएगा, और तुम तो मम्मी को जानते ही हो। उन्हें पता चल गया तो फिर मेरी खैर नहीं, हमारी दोस्ती के बीच में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ रोका है। ओके, मैं चलती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। बाय बाय। ये ओ ये ये ओए ओए ओए, मेरी बाइक कहाँ ले जा रहा है? ओए ओए, ए कहाँ लेके जा रहा है मेरी बाइक को? अरे कहाँ ले जा रहे हो इसको? उधर सर, जाके बात करो, जाओ। हाँ कहाँ पे?
सर वो एक्सक्यूज मी सर, भूल गया था सर, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। वो बाइक सॉरी है, ये तुम्हारी बाइक है, एड्रेस बताओ। ओ सर वो बात ऐसी है कि जल्दी में था तो इसीलिए नो पार्किंग में पार्क कर दिया था। सॉरी सर, सर वो गलती से हो गई सर। बहाने सुनते सुनते मेरे कान पक गए, फाइन देके चुपचाप गाड़ी लेके चले जाओ। चलो सर, चलो, अरे चलो ना। मैं जब तक लाइसेंस नहीं दिखाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। लाइसेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, बुक नहीं है। बात को समझ, पॉकेट से माल निकाल और चुपचाप गाड़ी लेके चला। यकीन करिए सर, मेरे जेब में 5 रुपए भी नहीं है सर, जो था सब पेट्रोल में चला। ज्यादा नाटक मत कर, पॉकेट में जो है वो निकाल, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप एक काम करिए, आप मेरा वॉलेट देख लीजिए। ये लीजिए सर। नहीं है कहा था ना, फिर ये नोट कहाँ से आया? सर, सर सर ये नोट वो सर कहाँ से आया? मेरी बात सुन, गाड़ी लेके चुपचाप चला जा। प्लीज सर ये मुझे दे दीजिए। ओहो भिखारी मत बन, बोला ना पकड़, गाड़ी लेके जा। सर सर प्लीज सर, सर सर ये नोट मुझे दे दीजिए सर। बोला ना गाड़ी लेके चुपचाप चला जाए यहाँ से। सर ये नोट दे दीजिए सर प्लीज। नहीं माना तो कोर्ट में 5,000 रुपए तक फाइन भरना पड़ेगा। सर ये नोट दे दीजिए सर प्लीज। सर ये नोट तुझे चाहिए ना, नोट तुझे चाहिए ना। सर नहीं सर, नहीं सर, ये ले। सर ए तेरी इतनी हिम्मत। पुलिस के बल हाथ उठाता है। दरअसल सारा दोष तुम्हारे बेटे का है। पहली बात, नो पार्किंग जोन में उसने अपनी गाड़ी क्यों लगाई? अगर लगाई भी तो पुलिस के साथ बहसबाजी और मारपीट करने की क्या जरूरत थी? चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कहता है पुलिस ने इससे पैसे ले लिए, कुछ रुपयों के लिए ये पुलिस पर हाथ उठाएगा। गलती अगर किया है तो फाइन तो देना ही पड़ेगा। ओहो बस भी कीजिए अब। चुप, पूरा चुप, कुछ भी बोलना अन्याय है। बैठे रहो, घर में बैठे रहो, इसी में शांति है। अरे राजू बस एक नोट के लिए इतना मार खाया तूने? ओहो समझते क्यों नहीं हो, वो नोट मैं कैसे दे सकता था? वो 50 रुपए का नोट मुझे उसी लड़की ने दिया था। उस लड़की ने दिया है इसलिए वो 50 रुपए के लिए पुलिस से भिड़ जाएगा? एक नोट बड़ी है या तेरी जिंदगी? तुमको अब कैसे समझाऊ माँ, उस नोट को उसने मुझे अपने हाथों से दिया, उसका प्यार, उसकी यादें, सब कुछ है उसमें, इसलिए वो मेरे पास अमानत है। अच्छा बताओ तो, मैं जिस दिन पहली बार कॉलेज गया था, उस दिन जो तुमने मुझे पेन दिया था, उस पेन को मैंने संभाल के रखा है ना? हाँ, शादी के बाद पापा ने तुम्हें आज तक जो भी तोहफा दिया है, क्या तुम उसे कभी किसी को दे पाओगी? नहीं दे पाओगी ना। सेम हेयर, इस नोट को मैं किसी को भी नहीं दे पाऊंगा। उससे तू बहुत प्यार करता है ना राजू? हाँ। बहुत सुंदर है क्या? देख लेना, जब तुम देखोगी तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। मुझसे नहीं मिलाएगा? जरूर मिलाऊंगा माँ, जरूर मिलाऊंगा, सही समय पर तुमसे जरूर मिलाऊंगा। Hey,
ही बातों में तेरी इन आँखों के हो गए दीवाने हम। सपनों की राहों में इन तेरी बाहों में खो गए हम तो सनम। बातों ही बातों में तेरी इन आँखों के हो गए दीवाने हम। सपनों की राहों में इन तेरी बाहों में खो गए हम तो सनम। सुन मेरे यार दिल बेकरार हो गया है प्यार। इशारों को समझो ना यारा, इस दिल ने दिल को पुकारा। ना जाने क्या किया दर्द ना वो सह जाए रे। तूने जो छू लिया ना जाने क्या किया दर्द ना वो सह जाए रे। सुन मेरे यार दिल बेकरार हो गया है प्यार। कहा क्या ये तूने आँखों से गया दिल ये मेरा हाथों से। कहा क्या ये तुमने आँखों से गया दिल ये मेरा हाथों से। विक्रम जी आप अचानक यहाँ? आप मुझे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता, राहुल रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सोमेंद्र रॉय का इकलौता बेटा। अगर आपको कोई काम था तो मुझे बोल देते फोन पे, तो फिर मैं ही आ जाती आपके पास। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप काइंडली आप मेरे साथ क्या बाहर आ सकती हैं? चलिए। अरे आइए ना, प्लीज आइए। ओह ब्यूटीफुल, ये आपकी गाड़ी है? ऑब्वियसली, मेरे डैड ने मेरे लिए 7 कार खरीदी है एंड ही सेज 7 दिन में 7 कार। ओह रियली? हाँ। अरे आइए ना मैडम, गाड़ी में बैठिए। ओह श्योर, बाकी बातें गाड़ी में होगी। हेलो। अबे ए संजय, अबे साले तू कब आ रहा है यहाँ पे? हाँ अरे ठीक हूँ, मम्मी पापा सभी ठीक है भाई। तू कब आया? आज ही। हाँ तू घर पे है तो? अबे तू बस वहीं रुक, मैं अभी आया। हाँ क्या हुआ आंटी जी? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। सीमा दी, रूपा, दीपा, क्या हुआ है? सब ऐसे चुपचाप, संजय कहाँ है? वो छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे संजय यहाँ क्या कर रहा है? घर में सब सीरियस, तू भी इतना सीरियस, बात क्या है? हाँ तू तो जानता है राजू, पापा के गुजरने के बाद इतने बड़े परिवार को कैसे मैं चला रहा हूँ। पापा के पेंशन के पैसे, मेरे ट्यूशन के पैसे, सब घर खर्च में खत्म हो जा रहे हैं। और ऊपर से तीनों बहनों की शादी करनी होगी। हाँ शादी होगी। सीमा दी की शादी तय हो गई है, लड़के वालों ने खबर भिजवाया है। रूपा की भी बात चल रही है, हो सकता है उसकी भी फाइनल हो जाए। अरे ये तो खुशखबरी है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नौकरी के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। ए, अबे क्या कह रहा है तू? हाँ इसका मतलब तू इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया? अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो ये सब कैसे होगा? क्यों, मैं क्या सीमा दी या दीपा रूपा का
भाई नहीं हूँ क्या? यही बात तेरे मुंह से मैं सुनना चाह रहा था राजू। मेहनत करूंगा मैं, पैसे भी भेजूंगा, लेकिन भाई का कर्तव्य तुझे ही निभाना होगा। नई नौकरी है, छुट्टी कब मिलेगी क्या पता। अरे सब कुछ हो जाएगा यार, नो टेंशन, मैं हूँ ना। एक और इम्पोर्टेंट बात राजू। बोलना। लेकिन ए, तेरे इस इफ बट किंतु परंतु सब छोड़, अब तू मेरी इम्पोर्टेंट बात सुन। बोल। तुझे जिसके बारे में बताया था ना, हा? उससे मुझे प्यार हो गया। आई एम इन लव। हे क्या कह रहा है तू? कौन है वो? नाम क्या है उसका? कब मिलवा रहा है उससे? अबे तुझे नहीं दिखाऊंगा मैं। प्रॉमिस प्रॉमिस। देख बेटा, रोज फोन करना, सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, अपना ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। हाँ आंटी जी, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे राजू है ना। हाँ। तुम चिंता मत करना, उनका आशीर्वाद ले ले। बस ठीक है, ठीक है, ये ले रख ले। रियली बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुन राजू, हाँ तू मेरे साथ चल। चल हाँ, चल। अच्छा राजू बोल। हाँ। तू किसी लड़की के बारे में बता रहा था ना उस दिन। तो बता कौन है वो, किसे तू प्यार करता है? अरे उससे मिले हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए। अरे अभी तक वो भी नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाय राजू। अरे ये। हाँ राजू, कहा था ना एक इम्पोर्टेंट बात है, ये गीता है। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है उसकी माँ को लेकर। उनकी इच्छा है कि गीता की शादी किसी बड़े घर में कराएं, इसीलिए पैसे कमाने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। देख, मेरे और गीता के प्यार के बारे में सिर्फ हम लोग ही जानते थे, आज तुझे पता चला। राजू भाई सुन, जब तक मैं लौट कर नहीं आता, गीता तेरी जिम्मेदारी रहेगी। हो सकता है उसकी माँ उसकी शादी करवाने की कोशिश करे। प्लीज राजू मुझसे वादा कर, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तो उसकी शादी कहीं नहीं होने देगा। वादा कर राजू, वादा कर, प्लीज वादा कर राजू। राजू जाना, उसके पास जाए खड़ा होना ताकि मैं बाय कर सकूं और किसी को शक भी ना हो। जाना। चलता हूँ, चिंता मत करना। टाटा टाटा। अच्छा गुड बाय। गुमसुम बैठा है? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? उस लड़की के साथ झगड़ा हो गया? उसने कुछ कहा क्या? अरे बुद्धू, प्यार में ये सब होता ही रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते, सब्र रखना पड़ता है। नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो उसकी ये प्यार की निशानी, ये 50 रुपए को तूने ऐसे फाड़ क्यों दिया? वो क्या किसी और से, मतलब उसकी शादी तय हो गई है क्या? हुआ क्या है मुझे भी नहीं बताएगा मेरा राजा बेटा। माँ वो किसी और से, मतलब मेरे किसी करीबी से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। तुम ही बताओ माँ मैं कैसे। प्यार करने का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, उल्टा त्याग और देना ही असली प्यार की निशानी है। अगर तू उसे सच्चा प्यार करता है तो ये नोट तू अपने पास रख, देखना प्यार कितना पवित्र होता है,
नोट तो फाड़ सकता है लेकिन दिल, ले इसे रख, उतावला मत हो, मन उदास मत कर, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। माँ हाँ आ बेटा। भैया एक चिट्ठी थी। हाँ राजू, राजू। हाँ तुम्हारे दोस्त की चिट्ठी आई है ना। हाँ हाँ आके ले जाओ। अभी नहीं, मम्मी घर पर है, रात को 8 बजे छत पर। ओके एग्जैक्टली 8 बजे डिश एंटीना के पास। बाय। समझी दीदी, इन दोनों के बीच जरूर कुछ बात चल रही है। क्या आग और घी एक साथ रहेगा तो जो होना था वो तो होगा ही। राजू जरा रुको ना, मैं चिट्ठी पढ़ लूं। संजय तुम्हें बहुत मानता है ना? क्यों लिखा है उसने? सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में ही लिखा है। लिखा है भगवान विश्वासघात कर सकते हैं लेकिन राजू नहीं। कब आ रहा है वो? ओहो न्यूज देखने में इतना डिस्टरबेंस। किससे बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे देखो ना न्यूज देखने के वक्त ये एंटीना। मुझे भी वही लगता है, आप जाइए एंटीना ठीक करके आइए। और उसने लिखा है वहाँ पर बहुत ठंड है, गरम कपड़े भी नहीं लेकर गया वो। मैं कुछ भी कहूँ सुनता ही नहीं है, बहुत केयरलेस है। एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य है कि वो पड़ोसी का एंटेना ठीक कर दे। सोचा था लेकिन बाद में लगा एंटीना ठीक करने से अच्छा है कि मैं अपने टीवी का स्विच ही ऑफ कर दूं। लो हा? इसे रख दो, बाद में मैं तुमसे ले लूंगी। ये तुम्हारी चिट्ठी है, संजय ने तुम्हें दिया है। मैं क्यों रखूंगा? तुम तो मम्मी को जानते हो, मम्मी को अगर चिट्ठी के बारे में पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए चिट्ठी अपने पास रखो। चिट्ठी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारे प्यार की गहराई। रखो ना प्लीज। नहीं ये झूठ है, मेरे बेटे को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ जानती थी लेकिन अब तुम्हारे बेटे के पर निकल आए हैं, वो पुलिस की बेटी से प्यार करने लगा है। छत पे किसी भी लड़की से बात करने से उसको प्यार नहीं बोला जाता, दोस्त भी हो सकती हैं। अच्छा बेटे की तो खूब वकालत कर रही हो। हाँ वकालत कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ राजू के साथ उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं है। राजू जिससे प्यार करता है उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है और ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ क्योंकि राजू मुझसे कुछ नहीं छुपाता और कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है राजू को आने दो, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। राजू तेरे पापा कह रहे हैं कि तेरी उस पुलिस की लड़की के साथ। नहीं माँ। लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ उसका क्या? बता राजू तेरे साथ उसका क्या रिश्ता है? पापा आपने जो देखा वो सही है लेकिन। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है, छत पे तुम दोनों अकेले। मेरा भरोसा करो माँ, मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, मेरा उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो मेरी सर की कसम खा के बोल, उस लड़की के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है? जानते हैं भैया हमारे देश की जनता एकदम बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं बिल्कुल गधे हैं। हम लोग जो पार्टी अदल बदल करते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। जो भी कहो हरी भाई, आमतौर पर हम जो इतना झूठा भाषण देते हैं सब कुछ विश्वास करती है ये जनता जनार्दन। हम लोग राजनीति करते हैं तो क्या जनता की सेवा का ठेका लिया है क्या? समझे हरिहर भाई, हमारे आम जनता का हाल देख के
पता नहीं मुझे क्यों एक कविता याद आ रही है। बोलिए। हम हुकुम चलाते हैं बेवकूफ जनता के ऊपर, हम इस गरीब जनता को मार के गाड़ देंगे इस मिट्टी के ऊपर। अरे मर गया रे, अरे बाप रे। अरे भाई ऑटो नहीं चला जाते होंगे, ऑटो को उलट दिया है। अरे अगर हमें कुछ हो जाता तो देश की जनता का क्या होता। और तुम लोग जो जनता का मजाक उड़ा करके देश का अपमान कर रहे हो वो। ए मुंह बंद। अबे चुप, जनता मरेगी और तुम लोग जश्न मनाओगे। हम लोग इस देश के नेता हैं। हाँ, सब हमें बहुत मानते हैं। हमारी इज्जत करना नहीं सीखे। हाँ, तुम लोगों की इज्जत। अपने ऑटो में तुम लोगों को बैठा करके मैंने अपने ऑटो का अपमान किया है। अरे ये तेरा सौभाग्य कि हम लोग तेरे ऑटो में चढ़े हैं। अरे तेरा ऑटो पवित्र हो गया रे। पवित्र नहीं, महापाप। और इस पाप का प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। अरे भागो रे, अरे भागो, अरे भाग, अरे भाग, भाग, अरे जल्दी भाग, भाग, भाग। कौन बोल रहा है? गीता बोल रही हूँ राजू। गीता, इतनी रात को? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मम्मी ने हम दोनों को छत पर देख लिया था। मम्मी को लगता है मेरे और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है, इसलिए मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है इंडस्ट्रियलिस्ट समीर रॉय के बेटे विक्रम के साथ। आर्या हॉल में कल मेरी शादी होने वाली है 11 बजे। लेकिन देखो राजू, संजय भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। प्लीज राजू, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, मैंने संजय से बात करने की कितनी कोशिश की पर उसका फोन नहीं लगा। प्लीज राजू। राजू, क्यों नहीं रहे हो? कौन है? राजू, हेलो। इतनी रात को किसने फोन किया है? राजू, हेलो, हेलो। नहीं माँ, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर है तो इतनी बात क्यों कर रहा है? जाके सो जा। हेलो, हेलो राजू, हेलो राजू, हेलो, हेलो राजू, हेलो राजू, हेलो। What?
आज गीता को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोड़ दे इसको। हट 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 क्या हुआ है मैडम? अब तक कहाँ थे? जाओ थाने में खबर दो, जाओ। हे भगवान बचा लेना हमें, कोई ना कोई रास्ता दिखा देना बस। हे भगवान साथ रहना हमारे भगवान। अरे जरा धीरे बोलो ना, मैं कॉल कर रहा हूँ ना। हे भगवान। हेलो हेलो संजय, राजू बोल रहा हूँ। गीता की मम्मी उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही थी, मैं उठा के लेकर आ गया हूँ। नहीं नहीं चिंता की बात नहीं है, मैं उसे लेडीज हॉस्टल में लेकर आया हूँ, तुझे वहीं से फोन कर रहा हूँ मैं। संजय तू जल्दी आ जा, आई नीड यू। संजय हेलो संजय, अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देख राजू, गीता मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट है तेरे मम्मी पापा तेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तू गीता को उठाकर लाया है इसलिए गीता की माँ ने तेरे मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन ले गए। तेरे पापा ने मुझे कॉल किया था राजू। राजू हेलो। क्या हुआ, क्या कह रहा है संजय? राजू हेलो हेलो। हेलो संजय, क्या हुआ? हेलो राजू, अब हम क्या करेंगे? तुम अभी अंदर जाओ। नहीं राजू, मेरी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा मुसीबत में हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कह रहा हूं ना तुम अंदर जाओ प्लीज। राजू अब क्या होगा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मेरी बीवी इंतजार कर रही है सर, जाने दो ना सर। सर सर राजू आ गया है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा राजू कभी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए उसने लड़की को अपने साथ लाया है। चलो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है।
कौन? सपनों का हीरो रोमियो? अरे जिसको तुम मंडप से उठा लाए हो, जानते हो वो कौन है? अरे वो है एस आई आरती भटनायक की इकलौती बेटी। नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। फिल्मों जैसी कहानी असलियत में नहीं होती है। ओए, तुम्हारे जैसे सड़क छाप गुंडों से इंस्पेक्टर प्रकाश दास ज्यादा बात नहीं करता। छोड़ दीजिए उसे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मत मारिए उसे राजू, स्टॉप इट। आप इसे क्यों इस तरह मार रहे हैं? इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही राजू से कहा था, इसलिए वो मुझे उठा कर ले गया। क्यों? मम्मी जिससे मेरी शादी करवाना चाहती है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? इससे प्यार करती हो? बोलती क्यों नहीं? मेरी वजह से कितनी मार खाई इसने, फिर भी कुछ नहीं कहा। आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। मैंने जब तुमसे पूछा तो तुम चुपचाप क्यों खड़े थे? बोलो, तुम इससे प्यार करते हो? अरे बोलो, डरने की कोई बात नहीं, प्यार में डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस जिगरे में दम होना चाहिए। हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो देखिए मिस्टर विक्रम, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इट्स ऑल राइट इंस्पेक्टर। मैडम, आप अच्छी तरह जानती हैं मैडम, ये दोनों अब बालिग हो चुके हैं, फिर केस क्यों किया? विक्रम के साथ जबरदस्ती शादी कराने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। इससे अच्छा इन दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। गीता, तुम इससे शादी करके कभी सुखी नहीं रहोगी, तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। अपनी माँ को दुख पहुँचाकर तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मैडम प्लीज। सॉरी सर। सुनो राजू, प्यार करना कोई पाप नहीं है, ये एक पवित्र बंधन है। अगर वाकई तुम गीता से प्यार करते हो और दोनों ही एक दूसरे को सच्चे मन से चाहते हो, तो फिर मुझसे एक वादा करो राजू, कि तुम अगर शादी करोगे तो सिर्फ गीता से ही, सारा जीवन एक दूसरे के साथ रहोगे, उसे कभी भी दुख मत देना, वादा करो। मैं तो तुम्ही को दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे पास संजय की अमानत हो। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। वाह वाह बेटा वाह, आखिर तूने तूने मेरे विश्वास को तोड़ ही दिया। माँ से किया हुआ वादा तू भूल गया, वो भी एक पराई लड़की के लिए। उस दिन तेरे पापा तुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, ये मैं ही थी, मैं ही तेरे लिए खड़ी हुई थी। तूने मेरी सर की कसम खाई थी कि इसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आज तूने उसकी कसम खा के अपनी माँ को झूठा साबित कर दिया। राजू माँ मत बोल मुझे माँ, आज से तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। चलिए
इधर आओ। जब प्यार करोगे तो इस तरह की मुश्किलें और भी आएंगी, पर प्यार अगर सच्चा रहा तो फिर तुम दोनों को एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। जाओ, भगवान तुम दोनों का भला करे, जाओ। सच में संजय भैया की पसंद बहुत अच्छी है। सच में मानो स्वर्ग की परी। ऐसी लड़की तो किस्मत से ही मिलती है। सच में संजय भैया बहुत लकी है। इन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। यकीन मानिए आंटी, संजय गीता से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। जब तक वो आ नहीं जाता, गीता को यहाँ रहने दीजिए। नहीं राजू, नहीं, बाहर की लड़की को घर में लाकर मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करूँगी। सारा शहर जानता है तो उसे मंडप से उठा कर लाया है, और मैं उसे बहू के रूप में अपनाऊंगी, और मेरा बेटा आकर उसे शादी करेगा। फिर मेरी बेटियों का क्या होगा? तू समाज को नहीं जानता है राजू, ये समाज हम पर ऐसा कलंक लगाएगा कि तुम्हारी तीनों बहनें सारी जिंदगी अविवाहित रह जाएंगी। ये तो सच है, समाज का डर तो सभी को है। राजू क्या सोच रहे हो? तू क्या चाहता है? तेरी चाची इस इल्जाम को न सहकर क्या खुदकुशी कर ले? मेरा प्यारा बेटा, तू मेरी इज्जत की लाज रख ले। संजय के न लौटने तक कुछ करना तो दूर की बात है, मैं तो कुछ सोच भी नहीं सकती। तू उसे कहीं और ले जा राजू, मुझे माफ कर दे बेटा। आंटी माफ कर दे। चलो गीता मेरे साथ आओ। हे प्रभु, कितने दिन इस तरह बिना शादी के रहना पड़ेगा अपुन को? क्या सारी जिंदगी अपुन को अकेला ही रहना पड़ेगा? आप तो शिव हो, अपुन शंभु। आपकी वो शिवानी कितनी तपस्या की थी आपके लिए उन्होंने, अपुन के लिए अभी तक किसी ने तपस्या नहीं की क्या? सिनेमा में जिस तरह आप अपने सर से फूल टपकाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही चेक फूल अपने लिए टपका दो ना प्रभु। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। यहाँ क्या चल रहा है क्या पता? ची 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 ची, इस लड़की को जरा सा भी शर्म है? प्यार तो कर रही है, लेकिन वो भी मंदिर के अंदर मेरा दिया बुझाकर अपने प्यार की दिया जला रही है। हे भगवान, इन पापियों को माफ करना। लगता है ईश्वर ने अपुन की सुन ली। प्रभु शिव शंभु ने तुमको अपुन के लिए भेजेला है। तुम्हारे हाथ के स्पर्श से जो अपुन की बॉडी में करंट लगेला है, उससे अपुन एकदम श्योर है कि तुम ही अपुन के लाइफ पार्टनर है। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। समझ गई, सब समझ गई। मैं शंभू। मैं गंगा। गुड इवनिंग पंडित जी। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, ये साली देर क्यों हो जाती है पता नहीं। ए शंभू, ये मंदिर में क्या हो रहा है? कहाँ कुछ हुआ पंडित जी, आप भी बीच में इंटरफेयर कर गए। अच्छा जाओ, अब मंदिर का दरवाजा बंद होगा। अरे राजू, तू यहाँ? तू इधर क्या कर रहा है? क्या हुआ? और ये लड़की कौन है? ये गीता है, संजय की। ओह, मैं इसे मंडप से उठा के लेकर आया हूं। हाँ, शादी के मंडप से उठा लिया? और संजय? संजय को फोन करके मैंने सब बताया है। इसकी माँ जबरदस्ती इसकी। ओके, नो फ्लैशबैक, अपुन सब समझ गया। अपुन के साथ चल, तुम लोग अपुन के साथ रहोगे। चलो अपुन के घर चलो। आ जाओ।
हुआ? आज मैंने राजू को देखा। सच शांति, प्यार आदमी को बदल देता है, जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। जानती हो, तुम्हारा वो लाडला बेटा बीच रास्ते में खड़े होकर खिलौने बेच रहा था। मन में तकलीफ हुई, लेकिन अच्छा लगा। जो भी हो, कुछ तो कर रहा है, और इसके लिए हमें तो उस लड़की का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज राजू को देखकर गर्व से सीना फूल गया। आप अपने बेटे को देख के खुश हुए, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है। उसकी माँ की और कोई जरूरत ही नहीं है उसको। मैं नहीं जानती भगवान कब राजू को मेरे पास वापस भेजेंगे। राजनीति के आड़ में पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स? ये दोनों लोकल MLA के पुराने चमचे हैं। ये कह रहे हैं कि क्रियाक्रम यही करेंगे। ओ अच्छा अच्छा। ओ भाई, ये किसका अंतिम संस्कार? शमशान का फेमस कीर्तन वाला है। इसने 2000 से भी ज्यादा अंतिम संस्कार में कीर्तन करके रिकॉर्ड किया है। अच्छा 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 अच्छा। ए बंद कर। ओ आप उनके मूर्ख जनता जनार्दन भाई लोग, ये भाई साहब जिंदगी भर जनता की भजन कीर्तन करते करते खुद जिंदगी से टपक लिए, अब इनके लिए ऐसा मातम हो रहा है। थू! अरे इस महापुरुष के लिए सारे के सारे अपना कंधा दो, और इस महात्मा के लिए सब गाना गाओ, जश्न मनाओ, और मेरे साथ नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। चलो रे, रुक क्यों गए, बजाओ। जानते नहीं हो गए, हमारे पार्टी का आदमी है। पार्टी का आदमी? हाँ, ये हमारे पार्टी का वरिष्ठ सदस्य है। अरे रे, वाह वाह वाह, राजनीति और संगीत प्रेमी, तो फिर चलो इन्हें उठाओ और फिर गाड़ी में ले जाके लेटाओ। आज पूरे शहर का टूर करेंगे अपन लोग। अरे थोड़ा पुण्य भी तो कमाया जाए, फिर शमशान घाट ले जाकर के इनका दाह संस्कार कर देंगे, ठीक है? ए, अरे भाई तुम लोग रुक क्यों गए, ढोलक बजाओ। पहले मेरी बात सुनो। तुम कौन भाई? मुझे नहीं पहचानते? नहीं नहीं पहचानते? नहीं तो? मैं हूँ यहाँ का वार्ड काउंसिलर गिरिधारी जायसवाल। अरे तो फिर कौन से 30 मार खान हो बिड़ू? इसे देखो। हा? ये जो आदमी ऊपर चला गया, हा? ये मेरे पार्टी का एक्टिव मेंबर था। अच्छा? मेरे पार्टी के लिए दिन रात प्रचार किया करता, हा? था टीवी में देखा नहीं है? ये नेतागिरी आप बंद करो। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड? ए बजा रहे, ये मैया शंभू के ऑटो में जाएगी, मतलब जाएगी, क्या बोलती पब्लिक? बजा। मैया का काउंसलर हूँ और ये कमीना मुझसे सवाल लड़ा रहा है। मारो इसे, मारो, मारो, मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो। अरे रे, रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे बे? अरे जिंदगी झंड हो गई है यार। क्यों बे, क्या हो गया? अरे क्या नहीं हुआ यार, पता है उस जगह मातम चल रहा था। अपुन ने सोचा कि उधर रुककर मरने वाले की थोड़ी मदद कर दे, पर पता है क्या हुआ, मरने वाले के साथ राजनीति। ओहो, मैयत के अंतिम संस्कार के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये बोलता हम जलाएंगे, वो बोलता हम जलाएंगे। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड? सुना तुमने, एक साथ रहने के बाद हमारे बीच झगड़े हो सकते हैं, तब तुम्हें बुरा लगेगा ना? संजय, राजू तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर मेरे लिए वो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया है। भैया,
जल्दी से मुझे एक ब्रेड का पैकेट दीजिए। राजू को नाश्ता करके ऑफिस जाना है। जल्दी कीजिए, आज उसे कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। ओहो, तुम बहुत बोल रही हो। अरे जो लेना है बोलो ना। एक बड़ी ब्रेड की पैकेट। विजय जी, मैडम को बड़ा पाव रोटी दो तो। अरे ये फटी हुई नोट क्यों दे रही हैं? बढ़िया नोट दीजिए ना। नमस्ते। ये नोट उससे पूछ के लाई हो? नहीं, जब मैं आई तो वो बाथरूम में था। मैं उसके पर्स से लेकर आई हूँ। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। बोलिए ना प्लीज। इस नोट से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब राजू तुम भी? गीता ब्रेड लेकर आ गई? हाँ। मुझे जरा जल्दी निकलना होगा, एमडी के साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ मैं जानती हूँ। हेलो, क्या बात है? संजय की कोई चिट्ठी आई है क्या? ये 50 का नोट किसने दिया, इसके पीछे क्या राज है? किसे कह रही हो? तुम्हें कह रही हूँ। मुझे? ये 50 का नोट किसने दिया, इसके पीछे क्या राज है? बताओ बताओ क्या राज है? ला 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 ला। ये नोट तुम्हें कहाँ से मिला? दो मुझे। नहीं नहीं, ये नोट तुम्हारा हो सकता है लेकिन अभी मेरे पास है। तुम्हें इस नोट का राज बताना होगा। नोट तो नोट है, इसमें राज की क्या बात है? दो मुझे। दे तो दूंगी, पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस नोट के पीछे क्या कहानी है। बोलो बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड की है। बस यही तो जानना चाहती थी मैं। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझसे क्यों छुपा कर रखा है ये सब? प्लीज बोलो ना, कौन है वो, उसका नाम क्या है? मुझे सब कुछ जानना है। मुझे भी मिलवाओ उससे, प्लीज बोलो ना। ये जानती हो क्या है? छाता। लोग इसे धूप में भी यूज करते हैं और बारिश में भी, क्योंकि ये सर को बारिश और धूप दोनों से ही बचाता है। हाँ। छाता का असली काम है सिर को बारिश और धूप दोनों से बचाने का, और हमारा काम छाता को सर पे रखना। छाता का सही इस्तेमाल ना करने से इंसान बीमार पड़ सकते हैं, मर भी सकते हैं। हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा प्रेम और प्रेमिका ठीक इसी तरह है। समझी? नहीं समझी ना? तो मैं चला, बाय। बिल्कुल नहीं समझी ना? नो टेंशन, सही वक्त आने पर सब समझा दूंगा। ओके बाय बाय। अच्छा, इधर उधर की बातें करके मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। ओ, मैं भी देख लूंगी। हाँ? हाय। अरे तुम? हाँ, हमने उस मंदिर में दीप जलाया था एक दूजे के लिए, आज फिर मिली हो तुम मुझे। अब जाओगी तुम कहाँ? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ओ गंगा माय लव। गंगा, ओ गंगा, ओ गंगा, ओ गंगा, चलो आओ बैठो गाड़ी में, कहीं घूमने चलते हैं। चलो चलो चल। नहीं जा सकती। क्यों? पापा आ रहे हैं। ससुर जी आ रहे हैं क्या? पापा। ए, नो पॉलिटिक्स, यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ, मेरे पापा। उनको अपने साथ क्यों ले आई? दरअसल वो बात ऐसी है कि वो मंदिर से लौटने में उस दिन देर हो गई थी ना, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हमेशा साथ रहते? वो तुम्हारे पापा है के विलन? शंभू। अरे यार, ये लव शव करने का वक्त है, वो क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं बोलो तो? अपुन जा रहा है। पापा से डर के भाग रहे हो? अरे नहीं बाबा, आज ऑटो रिक्शा एसोसिएशन की मीटिंग है और अपुन वहां का प्रेसिडेंट है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अरे बुद्धू, फालतू के काम छोड़कर पापा को पटाओ। पापा राजी होंगे तब ना शहनाई बजेगी, नहीं तो बजेगा तुम्हारा बैंड। हाँ।
ए प्रभु काशी विश्वनाथ, आपने मुझे गंगा से तो मिलवा दिया, अब कुछ करिश्मा भी दिखा दो प्लीज। अरे बाप रे बाप रे। कहाँ गायब हो गए ससुर जी? आइला ससुर जी को करंट लग गया क्या? अरे बुढ़ाओं को शौक लगा है, दर्द से वो तड़पता है, अपना पांव हिलाता है, पर क्यों यहाँ पे खड़े होते हैं? अरे शंभू क्या देख रहा है, यही सही मौका है, अगर तूने ससुर जी को शौक से बचा लिया तो गंगा का हाथ तेरे हाथ में हमेशा हमेशा के लिए दे देंगे। यस। नमस्ते ससुर जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। मेरे बाबू ये बहुत बड़ा है, इससे सब सही हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही सलामत हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओ भाई कहाँ थे? अंकल को वहाँ एक शॉट लग रहा था, अगर मैंने नहीं बचाया होता तो वो कीर्तन करते करते ऊपर चले जाते। ये देख शुक्र है बच गए, जूते में ऊपर लगा था और वो वही साफ कर रहे थे, ध्यान से देख। ऐसा क्या? मदन मार इसे, मार इसे, मार इसे, इतना मारने की चल ना पाए, मार इसे, अबे मार इसे। हाँ ठीक है सर। ये लो। अरे गीता ये लो तुम्हारी चिट्ठी, संजय ने भेजी है। पढ़ो पढ़ो, इस बार भी संजय ने तुमसे ज्यादा मेरे बारे में लिखा होगा, देख लेना। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, पढ़ो 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 ना। अरे गीता तुम इतना सारा कुछ मार्केट से ले आई? हाँ। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। हाँ मेरे पास नहीं थे, मैं तुम्हारे पैसों से लेकर आई। मेरे पैसे से? क्यों, तुम्हारे पर्स में वो 50 रुपए थे ना, उससे लेकर आई। भैया भैया भैया, अभी कुछ देर पहले गीता सामान लेके गई है ना? हाँ आई थी, उसने जो 50 रुपए का नोट दिया था प्लीज वो मुझे दे दीजिए भैया। ये क्या बोल रहे हो, अरे कौन सा नोट, मैं कैसे जानूंगा? कैश बॉक्स में होगा, आप मुझे दिखाइए, मैं पहचान लूंगा, मैं श्योर पहचान लूंगा। अरे तुम पहचान लोगे? हाँ भैया वो नोट फटी हुई थी और उस नोट का नंबर है 6VV24216। अरे पागल हो गए हो क्या, इतना नोट में से तुम अपना नोट खोज लोगे? देखो गल्ला देखो। हेलो। वहाँ ढूंढ कर कोई फायदा नहीं, नोट तो यहाँ है। जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। Thank you.
नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। अगर छोटी ही छोटी बातों में नोक झोंक होने लगे तो फिर ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। आओ गीता, बाहर आओ, आओ। जितना ही तुम एक दूसरे को समझोगे प्यार उतना ही गहरा होता जाएगा। अरे प्यार में जीत हासिल करने के लिए पाने से ज्यादा खोना पड़ता है। जाओ गीता, जाओ जाओ, अंदर जाओ, खा लो। तुम भी बैठो। मेरा खाने का मन नहीं है। मैंने कभी अकेले खाया है? बैठो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। देखो मैं कान पकड़ रहा हूं। गलती करके अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? प्लीज भूल जाओ, प्लीज। क्या तुम भूल गए हो अपनी गर्लफ्रेंड को? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए बड़ी बात है, पर अपने प्यार में अंधे होकर इतने लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी? बोलो, मेरी क्या गलती है? अपने प्यार का मान रखने के लिए किसी और का अपमान करना क्या ठीक है? अपने प्यार के लिए किसी और को ठेस पहुंचाना क्या ठीक है? अगर ऐसा ही है तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। मेरा यकीन करो गीता, जिंदगी में जब मुझे पहली बार प्यार हुआ न जाने मुझे क्या हो गया। बाद में पता चला प्यार तो सिर्फ मुझे हुआ था, लेकिन उसे तो मेरे प्यार की खबर तक न थी। इसीलिए यह अमानत मेरे लिए बहुत कीमती है, हमेशा मैं इसे अपने पास रखता हूँ। अगर सच कहूँ तो उस नोट के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। गीता यही है मेरी प्यार की लाइफलाइन, मेरा सब कुछ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? वो मेरे करीबी दोस्त की जीवन साथी बनने जा रही है। संजय ये सब जानता है? बोलने की कोशिश की थी लेकिन बोल नहीं पाया। कुछ बोलने से पहले ही वो किसी और की हो गई। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार किसी के लिए इतना मायने रख सकता है। तुम अगर एक बार उससे कह देते, अगर उसे पता होता कि तुम उससे इतना प्यार करते हो तो ना नहीं कहती। लगता है वो बहुत अनलकी है। कौन अनलकी, लकी। अब ये सब सोच के क्या फायदा? तुम आज भी उससे प्यार करते हो ना? पता नहीं, लेकिन उसकी ये प्यार की निशानी, इस नोट को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो राजू, अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना। मैं नहीं जानती थी कि इस नोट के पीछे इतनी पवित्र प्रेम कहानी छुपी है। अपने प्यार की इस निशानी को हमेशा संभाल कर रखना राजू, इससे हमेशा तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। शायद तुम्हारी यही साधना तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास ले आए। मुझे माफ कर दो राजू, तुम्हारे प्यार को लेकर मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगी। एक बात कहूं? बोलो। संजय से एक बार बात करके तुम टीवी सीरियल में एक्टिंग क्यों नहीं कर लेती हो? मैं और एक्टिंग? हाँ, क्यों नहीं, खूबसूरती के साथ एक्टिंग टैलेंट भी तो है तुम्हारे पास। दोस्तों के साथ गई थी एक बार फिल्म में एक्टिंग करने, जैसे मेरे डायलॉग्स वैसा ही मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ। उस दिन के बाद से डर के मारे मैंने कभी दोबारा ट्राई नहीं किया। अरे ये मटका भी कोई तोड़ नहीं पाएगा और मेरी बेटी से कोई भी शादी नहीं कर पाएगा। अरे आजकल के लड़कों में इतना दम ही कहाँ है। ए गंगा, I love you गंगा, I love you, I love you, I love you गंगा, मेरी प्यारी गंगा, मेरी शोनी गंगा, गंगा। देखो तो कितने लड़के आए हैं। अरे मैंने सोचा कि इस बिल का फायदा उठाते हुए मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी गुटर गुटर कर लूंगा। मैं अंदर क्यों जाऊँ? इसे पकड़ो। ये किस लिए? डंडा। इससे क्या होगा? पकड़ो। ओ वीर बोले डंडा उठाओ रे, और कोई रास्ता नहीं है। वीर बोले, पर ये डंडा किस लिए?
उस मटके को तोड़ना पड़ेगा। वो मटकी फोड़ने का है? क्यों? जो उस मटके को तोड़ पाएगा उसके साथ ही पापा मेरी शादी करवाएंगे ऐसा कहा है। ये सब आजकल के जमाने में होता है क्या? शंभू, मटका तोड़ दो और मुझे ले चलो। ठीक है, ओके। क्या हो रहा है? सॉरी सिस्टर, सॉरी। अपुन को मटकी फोड़ने का है, वो गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी। बकवास कम करो, जाके मटका तोड़ो। अच्छा ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना है। फिर से ये हीरो नंबर वन, यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। स्टार्ट। ओके। अरे यार, अच्छा मारो मारो। अरे बाप रे, मार डाला। अरे भाई, बीच बाजार में मेरा प्यार लूट गया, मुझे डंडा क्यों थमाया? देखा ना, ससुर जी को चोट लग गई। अबे मारो इसे, मुझे मारने की जरूरत नहीं है, इनकी हालत ज्यादा खराब है, इनको पकड़ो और हॉस्पिटल लेके जाओ। जल्दी आइए, जल्दी आइए, लिमिट स्टॉक खत्म हो गया तो और नहीं मिलेगा। लास्ट स्टॉक, खिलौने ले जाइए, खिलौने ले जाइए, रंग बिरंगे खिलौने ले जाइए। आइए, ब्यूटीफुल खिलौने बेहतरीन ऑफर के साथ ले जाइए। आइए और ले जाइए सुंदर सुंदर टेडी बियर्स, राजू के अलावा इससे सस्ता कोई और नहीं दे पाएगा आपको। ले जाइए, सस्ते में ले जाइए, राजू के अलावा और कोई तुम्हें सस्ता में नहीं दे। वाह, खिलौने का बिजनेस कितना कमा लेते हैं, वो भी लोगों के दया से। सुंदर खिलौने बाबू, खिलौने लोगे? ब्यूटीफुल खिलौने सस्ते में मिलेगा, आइए आइए। ऐसे चिल्लाओगे तो कस्टमर नहीं आएंगे, अगर चीज अच्छी हो तभी कस्टमर डिमांड करेंगे। तू एक काम कर, ये सब नकली खिलौने छोड़कर तेरे पास जो जीता जागता खिलौना है उसे यहां लाकर बेच। देखना, बहुत फायदा होगा। आए! अबे, ये सब रखने की जगह नहीं मिली, तुझे कैसे पता चलेगा? गाड़ी में स्क्रैच होने से कितना खर्चा होता है, बाप का माल समझा है साला। नहीं गीता, छोड़ो राजू, छोड़ो मुझे। हट हट हट, यू बास्टर्ड। ए, शट अप, शट अप आई सेड। गाड़ी पर ये खिलौने रखे हैं इसलिए तुम बदतमीजी कर रहे हो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी गाड़ी कीमती है, वैसे ही हमारे लिए ये खिलौने कीमती है। सच तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी विक्रम,
समझते क्या हो अपने आप को? बाप के पैसों पर ऐश कर रहे हो इसलिए तकलीफों को नहीं समझोगे। एक एक पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये तुम नहीं समझोगे। अगर तुम में हिम्मत है ना तो इसी रास्ते पर खड़े होकर एक खिलौना बेच कर दिखाओ। मैं जानती हूँ तुमसे नहीं होगा। दूसरे के काम को नीचा दिखाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने नीच हो। जानती हूँ किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो उस पर। और तुम ये याद रखना, तुम्हारी दौलत के सामने उसकी एक छोटी उंगली भी बहुत कीमती है। डू यू अंडरस्टैंड? ए गीता, चलो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं इन जैसों के मुंह लगने की। चलो चलो यहाँ से। याद रखना, याद रखना मेरी बात। अगर आगे से कभी ऐसा कुछ हुआ तो मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। ओहो, चलो यहाँ से, चलो अब। तुम्हारा उससे इस तरह बात करना सही नहीं था गीता। क्यों? और उसने जो तुमसे इस तरह बात की? अरे वो तो मुझे कह रहा था ना, तुम क्यों गुस्सा हो गई? तुम्हें कोई कुछ कहे ये मुझसे सहा नहीं जाता। सहा नहीं जाता? हाँ, मुझे तकलीफ होती है। देखो गीता, उस फूल के पेड़ को देख रही हो? उसमें फूल से ज्यादा कांटे हैं। ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी फूल से ज्यादा कांटे हैं गीता। लेकिन जिसका मन पवित्र है उस इंसान को कांटे की परवाह नहीं होती। यही भरोसा है राजू, जो मुझे तुम्हारे बगीचे में कांटे देखने ही नहीं देता। दिखते हैं तो सिर्फ गुलाब, पंखुड़ी की तरह कोमल हृदय वाला, बगीचे से लेकर भगवान के मंदिर तक एक जैसा ही। रहने दो, मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। क्यों ना करूं? मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, फूल से मेरी तुलना मत कर। इंसान के कर्म ही उसे फूल बनाते हैं और कांटा भी, पर तुम और तुम्हारी आत्मा फूल से भी सुंदर है। ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तक जो देखा है वही कह रही हूँ। देखो ना, संजय अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुझसे कितनी दूर चला गया। सिर्फ मुझसे ही नहीं, अपनी माँ, परिवार, समाज, सबसे दूर चला गया। और तुम मेरे लिए, अपनी दोस्त के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़कर आ गए। मैं संजय को गलत नहीं कह रही, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद उसे एक बार तो आना चाहिए था। काम के बहाने से या सच में बिजी हो वो नहीं आया। लेकिन तुमने मेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मैं संजय के साथ तुम्हारी तुलना नहीं कर रही, सोच रही हूँ कि एक लड़के के लिए उसकी नौकरी, विदेश यात्रा, स्टेबिलिटी, यही सब सिर्फ मायने रखती है। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, इन सब के कोई मायने नहीं है। मैं जानती हूँ संजय मुझे प्यार करता है, और इसी प्यार के भरोसे मैं तुम पर बोझ बनती जा रही हूँ। उसके आने का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं वो कब आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल इनकी हालत बहुत ही खराब है। पापा के बिना मैं नहीं जी सकती। पापा की सेहत के लिए अब भगवान से दुआ कीजिए, वो अगर चाहेंगे। पापा, पापा, पापा। गंगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपन तुम्हारे पापा के लिए यमराज का प्रसाद लाए लाए। हाँ? नहीं, यमराज का प्रसाद नहीं, यमराज का आशीर्वाद। पापा, अंकल, अपन आपके लिए भगवान का प्रसाद लेके आए लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तू कौन है? तू यमदूत है क्या? नहीं, अपन शंभू। शंभू, जाग गए? निकल जा। किधर? फिर से मेरा सर फोड़ने का इरादा है क्या? नहीं, अगर आप चल बसे तो कन्यादान कौन करेगा? मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में, किस्मत का खेल, ईश्वर की मर्जी, वो जब चाहे उठा लेंगे। लेकिन वुड बी ससुर जी, आई लव यू, गंगा को मेरे नाम कर दीजिए ना। क्या बोला साले? कमीने। गंगा, इससे कभी भी, कभी भी, कभी भी। पापा, पापा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। चल दिए क्या ससुर जी? ओ पापा, पापा, अबे पापा, अपनी लव स्टोरी अधूरी रह गई। नहीं, गंगा आई थी शंभू के सर का ताज बनने,
लेकिन सर पे ताज पहनाने वाला ही नहीं रहा। ये बुढ़ऊ ही है मेन विलन। यही है पापा। अरे पापा, पापा उठो। अरे पापा उठो रे, उठो पापा। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये क्या कर रहे हो? मेरे पापा पर चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं नहीं अपुन, तो सिर्फ देख रहा था। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे हाथ ठीक है, मेरे पैर ठीक है, सब ठीक है। कुछ समय के लिए बेहोश था, लेकिन अब बिल्कुल फिट हूँ। चुनाव के प्रचार में जाऊंगा मैं। देखो हाथ देखो, ये अपुन का हाथ है। अरे मेरे नब्ज क्यों देख रहे हो? मैं मर गया हूँ क्या? इसे कहते हैं मेडिकल मिरेकल। तुम्हारे पापा को नई जिंदगी मिली है इस नौजवान के लिए, अभी जो सीने में मारा ना, इसलिए। अच्छा सुनो, तुम क्या कंपाउंडर हो? नहीं अपुन तो ऑटो। थैंक यू यंग मैन। अच्छा मैं चलूं? ओके डॉक्टर साहब। बेटा तुमने अपने गले में ये क्या पहना है? नहीं दरअसल बात यह है कि ये तो अपुन का एक रुमाल है। अगर गंगा से मेरी शादी नहीं हुई तो सोच रहा था कि इसी से फांसी लगा के एक ही बार में। क्या बोला, लटक जाओगे? नहीं तो मेरी गंगा से शादी कौन करेगा? तुम्हारा बाप? मैं हाथ दो, अपना हाथ दो। बेटी गंगा, अब तुम अपना हाथ लाओ। समझी बेटी, जिसने मेरी जान बचाई वो आज से तेरा जीवन साथी है। अरे 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 ओ गोरिया रे, बोलो ना। ओ गोरिया पास आओ ना, ना ना जी ना, ना जाओ ना। दे दो ना प्यार का लाइसेंस। अरे दे दो तुझे प्यार का लाइसेंस, दे दो मुझे। बाहों में लेकर फिर मैं तुझे छतरी में प्यार करूंगा। अरे 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 उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, देख छतरी तेरी। अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, देख छतरी तेरी। प्यार बातों में तुम उलझाओ ना, कभी होगा बताओ ना। होगा होगा सब कुछ होगा, पहले थोड़ा प्यार होगा। आजा ओ गोरी आजा सरा, ऑटो के भीतर प्यार करूंगा प्यार करूंगा। अरे 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 उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, देख छतरी तेरी। अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, छतरी तेरी। उलझाओ ना, कब तुम दोगी बताओ ना। सुन ले जरा ओ दिल पर जानी, बनेंगे एक दिन राजा रानी, रहेंगे हम मस्ती में। अरे 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 उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, देख छतरी तेरी। अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, देख छतरी तेरी। अरे उड़ गई उड़ गई रे, देख छतरी मेरी। अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, देख छतरी तेरी।
है। रुको रुको रुको, कितना हुआ? लो, नमस्ते, अंदर आइए ना। चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन मन में कष्ट हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा। जो भी हो, मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों एक साथ हो। हाँ बेटी, मैं तुम दोनों के लिए ये राशन कार्ड बनवा कर लाया हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, एक पिता के नाते मेरी तरफ से ये शादी का तोहफा है। तुम क्या सोच रही हो, मुझे ये सब अच्छा लग रहा है तुम्हारे गले में ये पतली सी सोने की चेन देखकर? बहुत मन था कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूं, राजू के सभी दोस्त को, अपने कलीग को और सभी रिश्तेदारों को शादी में बुलाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों के चेहरे पर मुस्कान देखकर। अब मैं चलता हूं बेटी। राजीव बाबू। हाँ, आपको एमडी साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बुलाया सर। राजीव बाबू, हमारी कंपनी आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको ये गिफ्ट दे रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ए गीता, अरे तुम यहाँ बैठी हो, एक खुशखबरी है। सच? मेरे पास भी एक खुशी की बात है। खुशी की बात? हाँ। तो पहले तुम बताओ। तुम पहले बोलो। तुम पहले बोलो। तुम पहले। ओहो, लेडीज फर्स्ट। तुम पहले बोलूं? हाँ। बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। चलो चलो चलो, बाहर चलो। अरे आओ तो सही। देखो मुझे क्या मिला है, ये देखो, यही है मेरे मेहनत का फल। मेहनत का फल? ओह यस, टारगेट के ऊपर सेल करने के वजह से कंपनी ने मुझे ये दिया है तोहफे के रूप में, इंसेंटिव, सिर्फ मुझे। यस, ओनली मी। ओह कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। चलो चलो चलो, बैठो बैठो, घूम कर आएंगे। चलो चलो बैठो जल्दी, बैठो बैठो, चलो चलो बैठो जल्दी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। संजय की चिट्ठी आई है क्या? तो फिर संजय आ रहा है। कैसे पता तुम्हें? उसने फोन किया था? नहीं, तुम्हारे पापा की बातें सुनकर, राशन कार्ड देखकर मूड खराब था, इसलिए उसे फोन किया था। वो कल ही आ रहा है। सुन संजय, तेरी गीता वो वहां तेरा इंतजार कर रही है। जा, बड़े बरसों से इंतजार कर रही है तेरा। पता है संजय, तुम दोनों के मिलने के बाद मुझे बहुत शांति मिलेगी। जा मिल ले उससे। राजू? अरे संजय, अबे इतने सालों की बातें इतनी जल्दी खत्म कर दी? ए संजय, अबे जा, मैं वेट कर रहा हूँ, तू जाके बात कर ले। नहीं राजू, मुझे जो कहना था मैंने गीता से कह दिया है। तेरे साथ कुछ बात है, तू घर पे आना, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, तू गीता को छोड़ देना।
किसकी चिट्ठी है ये? मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसके हेड ऑफिस से आया है ये अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अभी तो संजय आ गया है। गीता? है गीता, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम मुझे भी नहीं बताओगी? बताओ ना प्लीज। इतने दिनों तक इंतजार किया संजय से ये सब सुनने के लिए। मतलब? संजय ने मुझसे कहा उसकी छोटी बहन की शादी जिस लड़के के साथ तय हुई है उसकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वो चाहता है उसकी बहन से संजय शादी कर ले। संजय शादी के लिए तैयार है? नहीं पता, पर मुझे लगता है वो मुझे। रिलैक्स गीता, मैं जा रहा हूं उससे बात करने। संजय, ए संजय। अरे राजू, इतने दिनों बाद हमारी याद आ ही गई। नहीं सीमा दीदी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर? ओ, दोस्त घर पर नहीं है इसलिए हम सब पराए हो गए। हाँ नहीं, वो अब ऐसी बात नहीं है। राजू भैया। अरे अरे अरे, रहने दे रहने दे। रंजन, ये है राजू भैया, मेरे भैया के दोस्त। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। हाँ हाँ, शादी अगर पहले हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं रखती हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। अरे राजू, तू अकेले? बहू कहाँ है? नहीं वो मतलब। अच्छा राजू भैया, कैसी है भाभी? सचमुच तू भी ना रूपा, मजाक मत कर। तो चल तो राजू, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, लेकिन वक्त और हालात सब कुछ बर्बाद कर देता है। यही तो, गोपा की शादी जहाँ तय हुई है, लड़के वाले चाहते हैं कि संजय उनकी बेटी से शादी कर ले। फिर भी कौन कह सकता है कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। राजू भैया, आपकी चाय। समझी गोपा, तेरी शादी की बात मैं राजू को बता रही थी। लड़के वाले चाहते हैं इसी महीने शादी हो जाए, संजय भी राजी है। एक ही दिन में दो शादी करवानी होगी। मैं संजय से बात करता हूँ आंटी जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू शादी के लिए तैयार है। गीता क्या इस दिन के लिए सालों इंतजार करती रही? हाँ, उसके प्यार का ये सिला दिया तूने? क्यों संजय, क्यों राजी हुआ तू? अरे तू तो प्यार करता था उससे। हाँ, यही तेरा प्यार है, यही तेरी मोहब्बत है? नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि तू एक नंबर का स्वार्थी है। मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश कर। समझने की कोशिश करूं मैं? हाँ? तू मेरी जगह रहता तो क्या करता बोल। हाँ, मैं क्या करता? प्यार के बारे में तो मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी से प्यार नहीं किया ना। अरे गुस्सा करने से हर समस्या का समाधान नहीं होता। मैं वो सब कुछ नहीं जानता, तुझे गीता से ही शादी करनी पड़ेगी। ये कोई प्रॉब्लम का हल है? अच्छा, मेरी एक बात मानेगा? बोल। मैं अगर उस लड़के की बहन से। ए, यही एक आखिरी रास्ता है, मैं उन्हें समझाऊंगा। अरे इसमें ना मानने की क्या बात है? राजू जैसे हुनहार लड़के के साथ मेरी बहन की शादी हुई तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझूंगा। थैंक यू अमित। यू आर मोस्ट वेलकम। राजू के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। अरे मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है।
कम ऑन लेट्स गो फॉर द लंच। चलो थैंक यू राजू, तेरे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूं। संजय तू मेरा एक काम करेगा? अरे बोलना। गीता के मामले में मम्मी पापा से सारे रिश्ते टूट गए हैं, तुझे उनके पास जाके पूरा सच बताना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा हूँ माँ। राजू, माँ, राजू, माँ। राजू। दोस्त की खुशी के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देता। तुम्हें अपना प्यार, अपनी जिंदगी को पीछे छोड़कर हम दोनों की शादी कराकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा राजू? बोलो राजू, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर तुम्हें क्या फायदा होगा? शायद भगवान की यही मर्जी होगी। चलो गीता, अब हम चलते हैं। कर रहे हो? जाओ ना। बहुत दिनों के बाद शादी में सबसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते चिचा। नमस्ते। आप अमित के पापा है ना? आपने एक गोली से दो शिकार किए लाया। गोली शिकार? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। एक गोली से दो शिकार बोले तो दोनों कन्या का एक साथ बल्ले 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 बल्ले। ये क्या हो रहा है? अरे चिचा, आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, पर आपके माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? दर्शन दर्शन, मेरे सर में बहुत टेंशन है। अरे चिचा, उधर से मस्त चिकन बिरयानी की खुशबू आ रही है। चिचा, आप तो लड़की के पापा हैं, आपको तो लगता है दिन भर उपवास रखना पड़ेगा, है ना? आप बिना खाए कैसे रहेंगे? अरे भाई छोड़ो मुझे। जो भी हो, एडजस्ट करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? हाँ वो बात तो है। अरे बाद में देखते हैं। राजू, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? शादी नहीं करनी क्या? मस्त लग रहा है रे। गीता से शादी करनी है या फिर अमेरिका भागने का प्लान है? अरे तू ऐसे डरा क्यों रहा है? अरे दोस्त, जब तक क्लाइमेक्स नहीं आता ना, तब तक ऑडियंस सस्पेंस में रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही चोरेला है। इस बार शादी करेगा तो सुन, उधर देख, पंडित जी मंडप पे हाथ उठा के कैसे मंत्र पढ़ रहे। देख, अरे जाओ जाओ, गो कम ऑन। Stop it! नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। ये क्या मजाक चल रहा है? उठो उठो उठो। अपने आप को क्या समझते हो, राजा या महाराजा? कि जितनी बार चाहो शादी कर लो,
ये शादी है या किसी लड़की के साथ खिलवाड़ है? पूछता हूँ मैं, और कितनी बार शादी करोगे? क्या हुआ है सर? ये इंग्लैंड है या अमेरिका? एक लड़की के साथ प्यार करोगे, उसके साथ वक्त बिताओगे और शादी करोगे किसी और के साथ? नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तुम इस लड़की के भाई हो ना, तो फिर इसके खिलाफ क्यों नहीं थे? मतलब मुझे सब पता है। हा? उसने अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ किया। What nonsense? अरे इन दोनों ने उस दिन थाने में कसम खाई थी कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो इसीलिए मैंने एक्शन लिए बिना इन्हें छोड़ दिया। पूछो इनसे, पूछो इन लोगों से, उस दिन माँ बाप के सामने जो कसम खाकर कहा था, क्या वो झूठ था? मुझसे तुम लोगों ने उस दिन वादा किया था, उसके बाद जिस दिन वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी, और मैं तुम्हें वार्निंग देकर आया था। कानून की नजरों में इन दोनों को मैं पति पत्नी मान चुका था, तो क्या ये समाज के खिलाफ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा तो नहीं होता सर। है। उस दिन की घटना में राजू की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी, सब मेरी वजह से। शट अप, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की आंखों में देखकर मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम जिस समाज के लिए ये सब कर रही हो, क्या वो समाज तुम्हारा साथ देगा? आपने ठीक कहा है सर, तुम ही बोलो संजय, क्या कोई भी भाई चाहता है कि उसकी बहन समाज में इस तरह से कलंकित हो जाए? अगर तुम मेरी बहन से शादी नहीं करोगे तो मैं भी गोपा से शादी नहीं करूंगा। संजय मेरी बात नहीं। राजू अब कुछ नहीं सुनना है, समझ गया मैं, ये समाज मेरी गीता को छीन लिया। मानता हूँ मैं गीता को प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा ये वादा भी किया था, लेकिन मेरे परिवार के लिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रूपा का बड़ा भाई, घर का बड़ा लड़का, तू बोल खुद के खुशी के लिए उन लोगों क्यों दुख दूंगा, उन लोगों का भविष्य क्यों खराब करूँगा? देख राजू, तूने मेरे लिए जो भी कुछ किया है, 7 जन्म में मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन मैं असहाय हूं, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं। देख संजय, तू मेरी बात समझने की कोशिश। रुको राजू, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है। नहीं गीता, नहीं नहीं। हाँ राजू, मैं इसे आजाद करती हूँ, एक दोस्त के नाते उसके इस फैसले को तुम भी स्वीकार कर लो राजू, स्वीकार कर लो। नहीं संजय, क्या सोच रहे हो राजू? यही कि सच में जा रही हो तुम? हाँ, रहने का कोई कारण भी नहीं है, मैं जॉब ही करूंगी, अभी तक जॉइनिंग डेट गई नहीं है। इतने दिन साथ रहने के बावजूद भी मैंने तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ दुख दिए हैं। सब भूल जाना राजू, कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना प्लीज। राजू देखो, हमारा छोटा सा बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। हाँ राजू, तुम्हारा साथ तो नहीं दे पाई, पर तुम्हें तकलीफ देने वाले इस दोस्त की याद में कोशिश करना कि इस बगीचे को संभाल कर रख सको। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो इनसे मेरे बारे में बातें करना, करोगे ना? बोलो। कितने बजे की ट्रेन है? रात के 10 बजे की।
मम्मी पापा आ रहे हैं। इसमें कुछ खाना रखा है, वक्त पे खा लेना। अरे पानी की बोतल, वो तो भूल गई। अपुन ले आता है मौसी। चल मैं भी चलता हूँ। चल लो रखो। लो बेटी, राजू कह रहा था तुम मालपुआ बहुत पसंद करती हो। वहाँ जाके हम लोगों को भूल मत जाना। आप दोनों का प्यार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है बेटी, रहने दो। अरे ठीक है, भगवान सुखी रखे। दीजिए ना, शकुन दीजिए, इसने पैर छुए ना। अरे मैं तो पर्स लाना ही भूल गया। ओहो आप भी ना, एन वक्त पे सब भूल जाते हैं। नहीं, रहने दीजिए। तुम रुको। तू जा, मैं आता हूँ। राजू अपना पर्स दे जरा। पर्स? अरे पैसे कहाँ हैं? ले रख इसे। माँ, माँ! मैं चलती हूँ। अरे मैंने वो नोट बिना देखे उसे दे दिया, अब क्या होगा? जब दे ही दियो, अब सोचने का क्या फायदा? देख, तूने इतने दिनों से उसे इतना संभाल के रखा था, आज मैंने गलती से उसे दे दी। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं गया नहीं है माँ, जिसकी अमानत है उसी के पास चली गई है। ये क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ माँ, जिसने वो नोट दिया था और जिससे तुमको मैं मिलवाना चाहता था, वो कोई और नहीं है माँ। हाँ? गीता है। मैं अभी जाके उसे बताती हूँ, तू उसे साफ साफ कह दे। असंभव, ये बात मैं उससे नहीं कह सकता। उसके नजरों में मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, और जब उसे पता चलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी नजरों में गिर जाऊंगा मैं। तू ऐसा क्यों सोचता है? इतने दिनों से तू खामोश रहा है, इसलिए उसे पता नहीं चला। जिसकी यादें लेके इतने दिनों से तड़प रहा है, अब जाते वक्त भी उसे कुछ नहीं कहेगा? नहीं माँ, प्यार अगर सच्चा है तो दोस्ती भी उतनी सच्ची है। मुझे किसी बात का दुख नहीं है, दोस्ती इतनी गहरी है कि एक साथ रहते रहते अपनी दोस्ती की खातिर मैंने अपने प्यार को दबा दिया। दोस्ती के रिश्ते को और प्यार के रिश्ते को एक साथ तुम ऐसे मत मिलाओ माँ। राजू, इतने दिनों तक मैं अपने प्यार के सहारे जिंदा था, अब बाकी जिंदगी अपनी दोस्ती के सहारे गुजार दूंगा। सिर्फ आप लोगों से एक विनती है, आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा। राजू माँ, अरे राजू ऐसे रोने से चलेगा? वो जा रही है, तू उसे हंस कर विदा कर। सारा सामान रख दिया, अपन चलते हैं। चलो गंगा। चलती हूँ। हाँ। अपना ख्याल रखना। तुम्हारे दोस्त को मैं याद रहूंगी ना शंभू। राजू का मन कोई नहीं पढ़ सकता, बचपन से जानता हूँ उसे। वो अपना दुख किसी से नहीं बांटता, बोले तो अंदर ही अंदर झेलता रहता है। अपने राजू का दिल बहुत बड़ा है, सबको अपना बना लेता है। शायद गलती से या हड़बड़ी में ये नोट मुझे दे दिया है। ये आपके बेटे का है, उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, उसके प्यार की निशानी। इस नोट की वजह से उसके और मेरे बीच काफी गलतफहमियां हुई थी। आज जाते जाते भी दोबारा उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। लीजिए, रख लीजिए इसे। आप जरूर जानती हैं, ये राजू के प्यार की निशानी है, उसकी आखिरी निशानी। ये नोट ले जाकर मैं उसके प्यार का अपमान नहीं करना चाहती।
ये नोट ले लो राजू, मेरे पास तो मेरे प्यार की कोई निशानी नहीं है, सब खो दिया मैंने, पर तुम क्यों इसे अपने से दूर जाने दे रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्ही ने बताया था तुम कितना प्यार करते हो उससे। मैं नहीं चाहती राजू कि इस आखिरी निशानी को खोकर तुम जिंदगी भर पछताते रहो। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं दे पाई राजू, उल्टा मेरी वजह से तुम अपने मम्मी पापा सबके प्यार से दूर रहकर गलत फहमियों के शिकार हुए हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसकी यादें, इन सब को अपने प्यार भरे दिल में फिर से जगा दो राजू, प्लीज रखो इसे। कैसा प्यार? कौन सी प्रेमिका, किस लड़की की बात कर रही हो तुम? वो लड़की और कोई नहीं, वो प्रेमिका और कोई नहीं, वो कोई और नहीं है, वो हो तुम। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जो नोट तुम्हारे हाथ में है ये तुम ही ने एक दिन राजू को दिया था। माँ, क्यों कह रही हो ये सब? जो सच है वही बोल रही हूँ। जिस आग में इतने दिनों से जल रहा है तो उसी के बारे में बता रही हूँ। दिल में इतना बड़ा बोझ लेके मैं नहीं जी पाऊंगी। भगवान ने तुझे किस मिट्टी से बनाया राजू? अरे मैंने अब तक जो भी बोला वो तेरे ही दिल की बात है। दोस्त रिश्ते नाते सबके होते हैं, उसके लिए अपनी खुशी को ऐसे कुर्बान कर देने वाला मैं पहली बार देख रही हूँ। दोस्त की खुशी के लिए एक अजनबी लड़की को सहारा दे सकता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार तू अपनी प्रेमिका से नहीं कर पाया राजू। दोस्त और उसकी प्रेमिका के लिए अपने माँ बाप को पराया कर दिया, लेकिन उसकी खुशी के लिए, उसकी भलाई के लिए अपनी प्रेमिका को कुछ बोल नहीं पाया। राजू तू इंसान नहीं है, राजू तू इंसान नहीं है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्रेमिका आज तुम्हारे पास वापस आ गई है, तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं जानती हूँ तुम अपने दिल में मुझे जगह दोगे, क्योंकि तुम इंसान नहीं, तुम फरिश्ते हो। ए, ए, देखो। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। अरे मौसी, इन दोनों ने तो आपका आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अपुन को लगता है इस खुशी के मौके पर आप एक चीज भूल रही हैं। क्या? इन दोनों ने आपके पैर छुए, आपको नहीं लगता कि आशीर्वाद के साथ आपको शगुन देना भी बनता है? अरे हाँ, तेरे पास कितना है, देना मुझे। अरे इसकी जरूरत नहीं है, ये लो। इसी नोट की वजह से आपको आपकी बहू मिल गई ना? हाँ आंटी जी, साथी अब जीवन साथी बनेंगे, ये देखकर इन्हें आशीर्वाद दीजिए। गो अहेड मौसी। कहा क्या ये तुमने आँखों से, गया दिल ये मेरा हाथों से।